चलिए, ठीक हो आप लोग? ठीक हो? सब मस्त ना? 2 मिनट के लिए मैं ऑफ कर रहा हूँ, फिर उसके बाद ऑन कर देना, ठीक है? हालांकि रहने ही दो, अभी आया हो दौड़ के। एक पीछे बैठ जाइए, अगर इनकेस अगर उसका अगर जो है तो, मतलब अभी आए हैं इसलिए मैं बोल रहा हूँ, अभी आप लोग आए हैं भागे भागे, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाएगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कोई इंटरेस्टेड होगा जो वहां बैठ जाए, अगर लगे तो उसे थोड़ा सा ये लगेगा, भरा बुरा लगेगा। ठीक है, और कुछ नहीं, बस जस्टिफाई हो जाएगा। चलिए ठीक हो, फिर से बोल रहा हूँ, लास्ट में पूछ रहा हूँ, ठीक हो? ठीक है, देखो मैं पहले भी एक दो बात बोला हूँ, फिर बोल रहा हूँ, टाइम का फ्लक्चुएशन थोड़ा बहुत होगा, प्लीज इरिटेट मत होइएगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ज्यादा किसी दिन खींचना होगा किसी दिन का, कभी कभी जैसे मैं भी एक इंसान हूं तो पर्सनली होता क्या है, कभी कभी मन किया आज की आज ना इन लोग को अचानक से लगा रात में आया सपना कि आज ज्यादा खींच देते, तो कल मैं बोल दूंगा कि चलो इवनिंग में आ जाओ ज्यादा पढ़ा लेंगे, या सुबह में आ जाओ ज्यादा पढ़ा लेंगे, तो वो चलेगा। हालांकि कोचिंग के माध्यम से जो पढ़ाते हैं उनको ज्यादा बोलने की जरूरत बात है नहीं, वो जब चाहे तब बुला लेंगे, लेकिन ऐसा भी मामला होना नहीं चाहिए जेन्युइनली, ठीक है ना? तो थोड़ा सा आपको बस एक दो बातों के लिए खेद आपको रखना पड़ेगा, और वो आपको थोड़ा दिन तक बहुत मजा भी आने लगेगा उसके बाद की, ठीक है? तो सर एक दो बात और, आमतौर पे मैं मैपिंग के बाद आईआर पढ़ाता हूँ, ध्यान से मेरी बात समझना, मैं आज आपको आईआर पढ़ाता भी, लेकिन मैं आपको आईआर नहीं पढ़ाने के पीछे, अभी इसको बाद में पढ़ाने के पीछे कारण है, क्योंकि पॉलिटी का थोड़ा वेटेज बढ़ गया है और बहुत सारी चीजें सिलेबस में इधर उधर हुई है, मतलब स्टैटिक रहता है। अब देखो मेरी बात एक दो बार ध्यान से पहले क्लियर समझना, शुरुआत से पहले जितना भी चीज है, अगर पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशन है तो है, संविधान में कोई बहुत बड़ा चेंज जब होने वाला होगा वो बहुत रेयरेस्ट होगा, तो देखने का बात अलग है। तो अभी आधा से ज्यादा चीज क्या है, स्टैटिक है, फिजिकल ज्योग्राफी भी स्टैटिक है। तो सर आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि पहले स्टैटिक सब्जेक्ट पूरा कवर अप हो जाए, चाहे वो पॉलिटी हो, चाहे वो फिजिकल ज्योग्राफी हो, चाहे इंडिया ज्योग्राफी। मेरी बात समझ आ रही? क्या सब सुन रहे हो? एक बार जोर से बोलिए, ऐसा ना थोड़ा एक रिदम, ऐसा ना। तो सर अब थोड़ा ध्यान में रखना एक और बात, अब्दुल कलाम मैंने बोल दिया था कल 102 पेज तक पढ़ने के लिए, आज जो लोग नहीं पढ़ोगे 102 पेज तक पढ़ लीजिएगा, कल आपके लिए सरप्राइज रहेगा, 102 पेज का जो भी होगा मजा आएगा कल, ठीक है? अब आते हैं पॉलिटी की बात, पॉलिटी में एक दो बात, मेरे पास तीन चार ऑप्शन थे, पहले मैं सारा कुछ बोल के लिखवाता था, मेरा वीडियो पुराना है, अवेलेबल है, बहुत सारा आप देखोगे तो उसमें बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है? कुछ वीडियोज में मैं नोट्स से करवाया हूँ, और अभी चूंकि जब से ये आया है मेरे लिए थोड़ा आसान इसलिए हो गया है क्योंकि अगर मैं जितना आपको लिखवाऊंगा ये, मैं कंटेंट ज्यादा है, मेरी बात ध्यान से समझना, कंटेंट ज्यादा है। अब बीपीएससी के जो लोग पूछा है ना, जो लोग सोचते हैं सर बीपीएससी के लिए तो कम ही पढ़ना होता है, तो मैंने बार बार बोला है कि यूपीएससी का लगभग लगभग आपको पढ़ना होगा ही होगा, ठीक है? लगभग लगभग तो सेग्रीगेट कर लूंगा, कंटेंट ज्यादा है, अगर मैं सारा कुछ लिखवाऊंगा तो प्रैक्टिकली बहुत सारा कुछ आपका छूट जाएगा और कंटेंट में मसाला में मजा नहीं आएगा, और मसाला एक बार मिल गया तो जो लिखने की बात है वो पीडीएफ अगर भेज दूंगा आपसे लिखवा भी लूंगा, उसका नोट्स अलग से लिखवा भी लूंगा, आपके पास रहेगा टाइम कि पढ़े आप लिख लेंगे, मेरे पास मेरी जो जरूरी होगा वो यहाँ पर नोट डाउन कर लेंगे, बाकी जो बचेगा वो घर से कर लेंगे, कोई दिक्कत इसमें ये नहीं कि नहीं सर सर तो लिखवा, बहुत जन बच्चे तो सर लिखवाते ही नहीं है, बहुत ऐसे बोलते हैं, तो सर मैं आपसे इसलिए बोल रहा हूँ कि लिखवाऊंगा तो कंटेंट रह जाएगा, और मैं आपको लिखवाने के पैसे नहीं लेता, पढ़ाने के पैसे ले रहा हूँ, ध्यान से समझना, पढ़ाना इंपॉर्टेंट है, लिखवाना तो सब कुछ कहीं ना कहीं लिखा हुआ है ही है, तो अभी जो चीजें हैं एक आपको प्लस पॉइंट भी है कि रिकॉर्डिंग अवेलेबल है तो थोड़ा सा वो भी आसान हो जाएगा आपके लिए, और दूसरा नोट्स भी अलग से दे दूंगा ताकि आप उसमें से सेग्रीगेट कर पाओ, क्लियर है? तो सर शुभारंभ करते हैं, जिसका भी नाम लेकर आप अपना जिसका भी नाम लेना है एक्स वाई जेड उनका इनका जिनका भी नाम लेके सबसे पहले शुभारंभ करते हैं पॉलिटी। पहले दो तीन बात का डिफरेंस समझ में आ जाना चाहिए कि दो तीन शब्द अलग अलग होते हैं, पॉलिटिकल साइंस शब्द अलग है, पॉलिटी अलग है, ठीक है? उन सारे शब्दों को समझेंगे, उससे पहले 5-6 यहाँ पे आपको टोटल थीम जो दिख रहा है वो 8 दिख रहा है, दिख रहा है क्या? तो पहले मैं चाहूंगा बिना किसी लाग लपेट के पहले थीम प्लीज लिखिए पॉलिटी के अंदर, थीम क्या है, क्योंकि थीम के बाद ही आइडिया लग पाएगा कि एग्जैक्टली जो है हमको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है? ये थोड़ा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा प्रभु। नाइन थीम के अंदर मेरी बात एक बार ध्यान से देखना, सिर्फ अभी 9 थीम लिखना, मैं बोल देता हूं तब प्लीज लिखना, मतलब 9 थीम दिमाग में रहना चाहिए। देखो ज्यादातर जब कोई चीज याद नहीं रहे तो ऑड में याद रखने की कोशिश करना, दिमाग ऑड नंबर ज्यादा याद रखते हैं, जैसे मॉल में आता है प्राइस 999 99 399, ये लोग 100 नहीं रखेंगे,
99 रखेंगे दिमाग में चिपक जाएगा 779, समझ में आ रहा है? तो ऑड नंबर्स इंसान को ज्यादा याद होते हैं, इसी वजह से गेम मार्केटिंग का चलता है। तो ध्यान से समझना, टोटल थीम 9 है, मैं अगर चाहूं तो इस 9 थीम को 5 थीम में भी कन्वर्ट कर सकता हूं, लेकिन पॉलिटिक के अंदर मजा नहीं आएगा, इसलिए ध्यान से समझना। प्लीज एक बार आराम से सुन लेना, फिर एक जब सुन लोगे ना तो उसके बाद लिखना थोड़ा आसान हो जाएगा। पहले बेसिक्स जो भी सारे हैं वो सारा कवर अप होगा थीम 1 में। हर चैप्टर का, हर सब्जेक्ट का अपना कुछ बेसिक रूल होता है, वो बेसिक्स पूरा कॉन्सेप्ट होगा थीम 1। थीम 2 के अंदर प्रियम्बल टेरिटरी, ध्यान से समझना, प्रियम्बल टेरिटरी और सिटीजनशिप नागरिकता, ये पूरा का पूरा कवर अप। तीसरी बात फंडामेंटल राइट्स डीपीएसपी फंडामेंटल ड्यूटीज। अब ध्यान से समझना, अगर आपको मिल गया प्रियम्बल का मतलब, अभी ध्यान से अभी के लिए बस समझना कि एक रूल मिल गया आपको कि ऐसे ऐसे करना है, तो आपको बोला गया घर में जाइए घर में रहिए, आपको एरिया मिल गया, अब उस घर में आपको नागरिकता भी दे दिया गया कि आपका ही घर है, अब उसमें आपका क्या क्या अधिकार होगा उस घर में रहने का, तो फंडामेंटल राइट्स। अगर अधिकार घर में रहने का है तो झाड़ू पोछा भी मारने का तो कुछ काम होगा, तो फंडामेंटल ड्यूटीज भी तो होगा, यस और नो। फिर उसके बाद कुछ और है डीपीएसपी, डीपीएससी बताऊंगे, उसके अंदर कुछ निर्देश भी होंगे कि मम्मी पापा बोलेंगे ये कर लो ये कर लो ये कर लो। उसके बाद अब है थीम 4, तो सर थीम 4 में थोड़ा इससे मामला चलते हैं, प्रेसिडेंट गवर्नर पीएम सीएम मिनिस्टर्स, इन सब का सारा डिटेल हो जाएगा, ध्यान से समझना। उसके बाद पार्लियामेंट संसद, पूरा संसद के अंदर जो है कवर अप क्या क्या होगा सारा डिटेल देख लेंगे। फिर स्टेट का जो विधानसभा और विधान परिषद में बहुत कंफ्यूजन वगैरह होता है वो देख लेंगे, कुछ कमिटीज का नाम। उसके बाद केंद्र और राज्य का संबंध, सेंटर और स्टेट का क्या रिलेशंस है ये समझ लेंगे, मेरी बात समझ में आ रही है? अभी पता तो होना चाहिए कि बाप बेटे का क्या संबंध है। उसके बाद जुडिशियरी, न्यायपालिका, तो न्यायपालिका उसके बाद दोनों में कैसे सामंजस्य बैठाएगा उसका इंपॉर्टेंस है। उसके बाद है पंचायत लेवल पे लोकल सेल्स गवर्नमेंट, पंचायत और म्युनिसिपैलिटी का क्या रोल है, मेरी बात समझ में आ रही है? और फिर उसके बाद आएंगे थीम 9 पे, तो सर थीम 9 पे जो भी कुछ बचा हुआ है वो देख लेंगे, और बाकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जैसे बहुत बार क्वेश्चन पूछता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, फिर उसके बाद अटॉर्नी जनरल, ये सब क्वेश्चन पूछते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कौन अपॉइंट करेगा, फिर कैसे क्या होगा नहीं होगा, ये सारा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज यहाँ देख लेंगे, मेरे पास समझ में आ रही है? देखो इधर ध्यान से, अगर किसी भी सब्जेक्ट का थीम क्लियर होना प्रभु तो बहुत आसान हो जाता है उस सब्जेक्ट के बारे में जानना कि मेरे को इतना ही पढ़ना है। मैं अगर चाहूं तो इसको थीम को बोल बोल के लिखवाता, यकीन मानो, इससे थोड़ा सा राहत मेरे को है स्क्रीन से, और राहत आपको भी इसलिए है क्योंकि चीजें और क्लियरली दिख जाएंगे, क्योंकि टाइम देखो लिखवाने में बहुत ज्यादा जाएगा। अगर मैं बोल बोल के लिखवाता लिखो थीम 1 बेसिक कॉन्सेप्ट, फिर बोलता थीम 2 टेरिटरी सिटीजनशिप, तो टाइम उसमें रिकॉल ज्यादा होता, मेरी बात समझ आ रही है? और सब्जेक्ट में कंटेंट ज्यादा है, मसाला ज्यादा देना है, तो थोड़ा आपको फास्ट रहना पड़ेगा। तो टोटल कितने थीम होगा मेरे साथ निकल जाए 9। अगर पॉलिटी की बात करते हैं तो बस थीम को ऐसे याद रखते हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश, तो एक हो गया लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव जुडिशियरी, मैंने एक दिन बताया भी था आपको, तो ये है विधायिका, ये लोग ही विधायक लोग ऑर्डर देंगे, ध्यान से समझ लेना। ये एग्जीक्यूटिव आप लोग जो है फ्यूचर आईएएस ऑफिसर्स वो एग्जीक्यूट करेंगे, कार्यपालिका, और जब और कुछ तंग होगा तो न्यायपालिका। तो तीन तो ऐसे ही हो गए, तो लेजिस्लेटिव के अंदर ऊपर में जितने सारे लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव सब आ गए, एक हो गया जुडिशियरी, और उसके बाद बच गया पंचायत सिस्टम और अलग अलग बॉडीज बच गए, मेरे बात समझ में आ रही है? तो प्लीज मेरे साथ एक एक थीम ना बोल के रिपीट कर लेना, क्योंकि इससे ना काम आसान हो जाएगा, उसके बाद आगे बढ़ लेंगे अपन। मैं चाहूं तो बिना बुलवाए भी फास्ट आगे बढ़ा लूंगा। तो पहला थीम 1 बोलना बेसिक कॉन्सेप्ट, दूसरा थीम 2 प्रियम्बल टेरिटरी एंड सिटीजनशिप, आपका निर्देश जो भी है नागरिकता, थीम 3 फंडामेंटल राइट डीपीएसपी फंडामेंटल ड्यूटीज डन, थीम 4 तो सर थीम 4 में प्रेसिडेंट गवर्नर पीएम सीएम और सारे मिनिस्टर्स हो गए, मेरी बात समझ में आ रही है? दूसरा पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, एक आपका पार्लियामेंट संसद की बात करेंगे, दूसरा विधायक जो विधायिका है स्टेट के अंदर वो बात कर लेंगे, फिर सेंट्रल स्टेट रिलेशंस, नेक्स्ट थीम 7 जुडिशियरी न्यायपालिका, थीम 8 पंचायत लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एंड म्युनिसिपैलिटी, और थीम 9 में क्या हो गया अलग अलग बॉडीज हो गए जो कॉन्स्टिट्यूशनल है। क्लियर यहां तक? प्लीज बोलना, इससे आसान हो जाएंगे चीजें। अगर हम इन सबको कवर कर लेना आराम से पॉलिटी के अंदर बढ़िया मार्क्स उठ जाते हैं, यकीन मान लो। अब 9 थीम जल्दी से नोट डाउन करो, फिर उसके बाद क्विकली ये लिखिएगा अपने हाथों से पूरा का पूरा, क्योंकि एक बार लिख लीजिएगा तो दिमाग में आ जाएगा, और अलर्ट रहने की कोशिश करिएगा। और आप लोग इसमें बुरा नहीं मानना, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हालांकि बच्चों को लोगों को लगता है कि सर आराम से वहां पे लिखा हुआ है ही, उसको बस
ऐसे बोल देना, नहीं सर उसके अलावा भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जब अभी अंदर जाऊंगा तो पता चलेगा, इतना आसान नहीं होता। जबकि सब का सब देखोगे ना, तो मैंने कोई पावर पॉइंट स्लाइड नहीं बनाया, खुद का लिखा हुआ है ये, आप इन्हीं ध्यान से देखो, ये हैंड रिटन है, ये ऐसा नहीं है कि मतलब पावर पॉइंट बना के कहीं और का चेप दिए कहीं और, ये आपके लिए इसमें बनाया हुआ है। और हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्सअप है, इंग्लिश में पूरा का पूरा है कॉन्सेप्ट भी, आप कॉपी का नोट्स भी देखोगे तो बहुत कॉन्सेप्ट उसमें जो है बहुत जबरदस्त तरीके से नोट्स में लिखा हुआ है। हर सब्जेक्ट का थीम आपको पता होना चाहिए, थीम अगर आपको पता हो तो चीजें उसके बाद बहुत आसान हो जाती हैं। कभी कभी तो अपने को यही नहीं पता होता है कि पढ़ना क्या है और क्या नहीं पढ़ना है, कांड वहां भी होता है। हो गया, लिख लिए, पीडीएफ मिलेगा, ध्यान में रखिएगा, लेकिन जो यहां लिखना है उसको लिखना है, यहाँ पे लिखना है, ये ध्यान में रखिएगा। ये नहीं कि सर हाँ पीडीएफ भेज दीजिएगा, टेंशन फ्री है, हम यहाँ पे आराम से थोड़ा सा नींद वींद ले लेते हैं। पीडीएफ एक ही शर्त मिलेगा, जब यहाँ पे जितना है जरूर लिख लीजिएगा, और लिखना चाहिए। अब आपको मेरे पीडीएफ के अलावा अब लक्ष्मीकांत ले लेना है। तो जो लोग भी नहीं लिए, मैं बोला हर सब्जेक्ट के समय बता दूंगा, आपको एम लक्ष्मीकांत ले लेना है, और इसका मैं डेट भी बता देता हूं कितने दिन के बीच में ले लेना है। लक्ष्मीकांत आपको आज जो भी तारीख है 21 है ना, तो आपको दो दिन में मतलब 23 तक आपको ले लेना है, 24 के बाद इसकी बहुत आवश्यकता पड़ने वाली है आपको, मेरे बात समझ में आ रही है, क्योंकि मैं जो भी टॉपिक पढ़ाऊंगा उस टॉपिक के पढ़ाने के बाद बोल दूंगा कि इस पेज नंबर को आज जाकर पढ़ लेना है, तो चीजें आसान हो जाएंगी। नहीं तो सोचोगे ना अभी पढ़ लिया है फिर बाद में पढ़ लेंगे, कभी नहीं आएगा बाद का दिन। जब जो टॉपिक हो रहा है लगे हाथ निपटाते जाइए, उसी समय उसको बाद के लिए बचा के रखने मत करिएगा, वो कभी नहीं होने वाला है कंप्लीट। स्कूल में सबसे अच्छी बात यही होती है कि जो होमवर्क दिया जाता है उसी दिन निपटा दोगे, उसके बाद टीवी देखो गेम खेलो कोई फर्क नहीं पड़ता, चीजें आसान रहती हैं। हो गया, नौ थीम, एक बार और मुंह से थोड़ा, सब लोग खाना खा गए एटलीस्ट तो आए ही होंगे, और मैं बताया हुआ हूं ही, तो एक बार टोटल थीम जो है स्टार्ट करते हैं, शुरुआत से थोड़ा बताना। सबसे पहला थीम क्या है, दैट इज बेसिक्स हो गए, प्लीज उसको रिमेंबर कर लो बिकॉज यही काम आएगा। थीम टू क्या हो गया, प्रियम्बल टेरिटरी एंड सिटीजनशिप, डन, घर में आप रहेगा नागरिकता मिलेगा आपको। थीम थ्री क्या हो गया, फंडामेंटल राइट्स ड्यूटीज एंड डीपीएसपी, दैट्स इट। उसके बाद थीम फोर, तो थीम फोर में आपके जनरली ध्यान में रखिएगा प्रेसिडेंट्स गवर्नर, जब भी कभी आप प्रेसिडेंट जो सोचोगे तो उसको कम्युनिकेट करना गवर्नर से, आगे बताऊंगा, और पीएम जब सोचोगे तो सीएम सोचना, मेरे पास समझ में आ रही, क्योंकि ऐसा नहीं है कि दे ऑल आर द डिफरेंट बॉडीज, लेकिन लगभग पावर वैसा ही है जो आपको बताऊंगा, अभी तो समझना होगा। थीम फाइव दैट इज पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर्स, डन। थीम सिक्स सेंट्रल एंड स्टेट्स का रिलेशंस हो गया। थीम सेवन जुडिशियरी, थीम एट लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, भाई पंचायत पर भी तो जाएंगे अपन, और थीम नाइन बॉडीज पे। ये जो थीम एट है ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता दूं आपको इसलिए, क्योंकि यहां से और यहां ये दो थीम अपने आप में बहुत क्वेश्चंस लेके आता है बीपीएससी और यूपीएससी दोनों, और कट टू कट क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन कैसे होते हैं, सिंपल, कि जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बनाया गया वो कौन से अमेंडमेंट से बनाया गया, मान लो 73rd अमेंडमेंट से, 74th अमेंडमेंट से, क्या मेरी बात समझ में आ रही है। जुडिशियरी में जनरली जो आता है उसमें ये पूछा जाता है कि न्यायपालिका अगर है तो बोला कि हाई कोर्ट के जज को कौन अपॉइंट करेगा, या हाई कोर्ट के जज का क्या पावर है, सुप्रीम कोर्ट का जज का क्या पावर है, और ये डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं मेरे पास, ये कोई बहुत इधर उधर नहीं होता, इसीलिए स्पेशल ध्यान तो सभी पे देंगे, लेकिन यहाँ थोड़ा सा पार्ट जो है आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेप्ट के साथ थोड़ा सा फैक्ट भी काम करेगा। अब एक दो बात आपको और बता देना चाहूंगा कि सर दो चीज होते हैं यूपीएससी के अंदर, एक होता है आपका फैक्चुअल होता है डेटा, जो इसमें मैंने एक दो बातें लिखी हैं जो मैं सिर्फ बोल के आपको सुना देना चाहूंगा, लिखा सब है ठीक है, इस खुद से लिखा हुआ है तो आपको बस आसानी से समझ में आ भी जाएगा।
क्या आप लोग कंफर्टेबल हो? बॉडी लूज रखना, माइंड अलर्ट रखना, बॉडी एकदम ऐसा ही लूज, आपका एकदम इजी रखो, इजी एकदम मजे से पढ़ने है, पूरा दिमाग बस है और एकदम इजी रहना। तो सबसे पहले क्या है, ये जो है सोर्सेज एंड मटेरियल जो भी यहाँ पे दिया हूं वो सब क्या क्या हो जाएगा आपका, उस सारा कुछ मैंने लिखा हुआ है और ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाएगा। पहला, मेरे कोर्स जैसे ही खत्म होंगे आपको 11th क्लास का ये जो एक बुक आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, ये पढ़ने की जरूरत तो आपको है नहीं, लेकिन ये पढ़ लीजिएगा एक बार। तो जो सोर्स मैं किताब का दिया हूं, उस किताब में अगर ये लिखा भी होगा तो ठीक है, नहीं लिखा होगा तो ये किताब आपको लेके रख लेना है, एक मेरी बात समझ में आई। दूसरा, ये आप नहीं भी पढ़ोगे, मैं बोल रहा हूं आपको, नहीं भी पढ़ोगे तो आपका काम हो जाएगा, लेकिन पढ़ लोगे तो क्या फायदा होता है समझना। एनसीईआरटी क्यों पढ़ा जाता है, अधिकतर गधों को ये बात नहीं पता होता है, जिनको पता होता है वो बताते भी नहीं। एनसीईआरटी पढ़ा जाता है मेंस में माल और मटेरियल लिखने के लिए, वो बस मसाला आ जाए कि कौन सा शब्दों का चयन करोगे आप, इसलिए एनसीईआरटी पढ़ते हैं। एनसीईआरटी ऑलरेडी समरी है, मेरी बात समझ में आ रही है, और समरी का भी समरी लूसेंट बना देता है या कोई और लोग बना देता है उस, अरे भाई लूसेंट जाकर देखो वो भी क्या है, एनसीईआरटी का ही समरी बनाए हुए। तो लॉजिक क्या है, ध्यान से समझना कि एनसीईआरटी में जो आप पढ़ रहे हो उसको पढ़ना, और मेरे पढ़ा लेने के बाद एक पढ़ के देखना, अभी नहीं पढ़ना, पढ़ा लेने के बाद आप एकदम चुटकी में खत्म करोगे, एक एक दिन में आप आराम से खत्म करोगे एक एक क्लास का एनसीईआरटी, एक एक दिन में खत्म होगा, और विद इन ऑन कैमरा डेढ़ महीना तो बहुत है, डेढ़ महीने में आप 6 से लेकर 12 तक का सारा सब्जेक्ट का एनसीईआरटी पढ़ लेना, मेरे को पढ़ा लेने दो, और आप पढ़ के देखोगे और आप बोलोगे सर संभाल लेंगे। तो पहला बात यह। दूसरा, जो लक्ष्मीकांत का है वो पूरा नहीं पढ़ना है कि लाइन बाय लाइन लेके बैठे और पूरा निपटा देंगे, इसमें तो कुछ टॉपिक स्पेसिफिक जो मैं बताऊंगा सिर्फ उतना पढ़ना है, ये नहीं कि इतनी मोटी किताब है और दे देना लेके बैठ के आप सुधा ही देंगे, लक्ष्मीकांत आपको सुधा देगा, इसलिए आपको जो है जितना बोलूंगा उतना पढ़ना है। और तीसरा, इसमें मैंने सिंपली लिखा है, मैं छोटी सी चीज है कि पढ़ाने के बाद ये विल बी सेल्फ रिलायंट एंड मेरी जरूरत पड़ेगी भी नहीं आपको, 80% करेक्ट यहाँ मैं लिखा हूँ, लेकिन ये 99 मान लो प्री एंड मेंस, अदरवाइज मैं फेलियर हूँ, ये मैं मानता हूँ इस बात को पूरी तरीके से। तो लॉजिक क्या है, मेरे जो कोर्स और उसको पढ़ाने के बाद आप जो देखोगे आपको खुद ब खुद क्वेश्चंस में बनने लगेंगे तो आसान लगने लगेगा, क्लियर है? तो बेसिक सा चीज है, क्या क्या लेना है, एक लक्ष्मीकांत और दूसरा एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क क्लास 11th की एनसीईआरटी लेनी है आपको, क्लियर है? ये बुक ले लीजिएगा। अगर किसी के पास पैसे बचे हैं और आप चाहते हैं कि किताब ले ले, तो मैंने एक दिन बोला था एक बात, आप 6 to 12 की एनसीईआरटी खरीद के मंगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप मंगा के रख लो, लेकिन मैं एक बात बताता हूं, जिस समय जो किताब नया लेते हो उस किताब को ना उसी समय खत्म करने की कोशिश करो, क्योंकि उस समय उसके साथ लगाव बहुत ज्यादा होता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे आज आपने नया कॉपी खरीदा तो आज आपको लिखने का मन बहुत करेगा, 10-15 दिन बाद उसको हो सकता है लिखने का मन ना करे और आप बोर हो जाएं। तो किताब जिस दिन आप नया लिए उसी समय निपटाने की कोशिश करना, इसीलिए 11th का जब एनसीईआरटी जब बोलूंगा लेने के लिए तब लोगे तो उस समय पढ़ ही जाओगे, और 6 to 12 का थाक लेके रख दिए, मैं आपके रूम में इतने सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे कि आपको आईडिया नहीं लगेगा, आप ही सब लिए, कोई और नहीं लिया है, लेकिन उसमें से पढ़ा हुआ कुछ भी नहीं है। तो मैं निवेदन करूंगा जिस समय बोल रहा हूं उस समय करिएगा। इसमें एक दो बातें लिखी गई है, ध्यान से समझना, क्या आप अलर्ट हो? देखो, एक होता है पूरा फैक्चुअल ज्ञान, जीके जीएस एसएससी रेलवे टाइप, ठीक, एक होता है पूरा का पूरा कॉन्सेप्चुअल जो कि पीएचडी टाइप, लॉ टाइप। तो पॉलिटी में लॉ अधिकतर लोग समझते हैं कि पॉलिटिकल साइंस लियो तो बताओ कि आर्टिकल 49 क्या है, या फिर क्वेश्चन पूछ लेंगे बताओ आईपीसी की धारा के तहत मर्डर किए तो क्या, भाई वो पॉलिटी नहीं, यूपीएससी के लिए वो नहीं मांगता है, वो मांगना है तो लॉयर बनिए, मेरे पास समझिए ध्यान से। तो ना तो हमको क्या चाहिए बहुत ज्यादा फैक्चुअल, ना बहुत ज्यादा हमको कॉन्सेप्चुअल, यूपीएससी यहां है बीच में, थोड़ा फैक्चुअल थोड़ा कॉन्सेप्चुअल, इतना काम आपको पता है तो सर आपका जो लाइन है वो मिडिल पाथ होना चाहिए यूपीएससी के लिए, बात खत्म, क्लियर है? तो बहुत इधर भी नहीं झुकना है, बहुत इधर भी नहीं झुकना है, क्या सुन पा रहे हो मेरी बात? तो सर यूपीएससी के सिलेबस में याद रखना है, ये नहीं कि पढ़ते पढ़ते रेलवे एसएससी में घुस गए और उसके बाद कांड हो गया बर्बाद, क्लियर? आप मेरे पढ़ाने के बाद लूसेंट भी पढ़ लेना, मेरे पढ़ाने के बाद जो भी फैक्चुअल किताबें होंगी पढ़ लेना, आप लूसेंट लूसेंट सब एक एक दिन में खत्म कर दोगे, ये बात मैं पूरे दिल मतलब बोलते हैं ना पूरे शिद्दत से बोल रहा हूँ, हो जाएगा, बस मेरा कॉन्सेप्ट समझ लो बस, उसके बाद आप पूरा पॉलिटी वगैरह एक दिन में निपटाओगे, जो भी किताब उठाओ यार कोई दिक्कत नहीं। एक उसमें किताब का नाम लिखा था मैंने, उसका जिक्र नहीं किया यहाँ पे, जिक्र करता भी नहीं इसलिए क्योंकि जरूरत है नहीं, डीडी बासु आता है किताब एक, ठीक है, वो बहुत फेमस है। लक्ष्मीकांत भी बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, लक्ष्मीकांत जो है वो भी समरी है, अब आप बोलोगे सर इतना मोटा समरी, एमके जैन लॉयर है बहुत बड़े, उनका उसमें से निकाल कर समरी बनाया गया है, बट बहुत बेहतरीन समरी बना दिया। तो लक्ष्मीकांत देखोगे ना तो ऐसे बोलते हैं हर टॉपर, नॉवल है, नॉवल लक्ष्मीकांत बोलते हैं सब लोग कि पॉलिटी का नॉवल है, और वो मतलब कुरान है इस तरीके का, गीता है, ये है, यो है, समझ में आ रहा है? तो सर मैं पहले बता दूं जितना जरूरत है उतना है,
बहुत ज्यादा जरूरत भी नहीं है। तो सर क्या हो गया पूरा का पूरा, मैंने भी क्या क्या पढ़ाया, टोटल थीम कितने है बताना जरा। 9 थीम हो गए। किताब आपको एक लक्ष्मीकांत और एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटिकल लेना है, ना आपको डीडी बासु लेने हैं ना आपको एमके जैन लेने हैं। जो मैंने बोला नहीं लेने के लिए वो लेना ही नहीं है, और बोल दिया कि यही लेना है तो वही लेना। अभी मेरे से मत पूछिए कि सर वो भी लेने क्या, ले लो लेकिन वो पढ़ना मत, समझ में आ रहा है, जो बोला उतना ले लेना, मेरी बात मान लेना, उसके बाद काम हो जाएगा। दो तीन वर्ड है यहाँ पे, ध्यान से देख लेना, और ये शब्द आपको समझ में आना चाहिए। पहला चीज है पॉलिटी क्या होता है, पॉलिटिकल साइंस क्या होता है, गवर्नेंस क्या होता है, तीनों का अर्थ अलग है। पॉलिटी और पॉलिटिकल साइंस मत बोलिएगा। पहला चीज पॉलिटी कुछ नहीं है, देखो इधर ध्यान से समझना, एक लीगल सिस्टम है। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं एक संस्था को चला रहा हूं, ध्यान से समझना, मैं संस्था चला रहा हूं इसमें एक सिस्टम होगा और एक लीगल सिस्टम है। कैसा लीगल सिस्टम, जो लॉ हमको अलाउ कर रहा है, तो हम एक जो लीगल सिस्टम है उसको बोलते हैं पॉलिटी। और उस लीगल सिस्टम के बारे में नॉलेज होना कि हाँ मुझे कैसे कराना है, बच्चे आएंगे तो क्या करना है क्या नहीं करना है, फिर क्या होगा क्या नहीं होगा, तो इसीलिए उसको बोलेंगे पॉलिटिकल साइंस। एक बात याद रखना, जहां पे भी शब्द जुड़ जाए साइंस, साइंस का हिंद क्या होता है, विज्ञान का मतलब होता है विशेष ज्ञान। तो साइंस इज नॉट अबाउट की पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आता है तो आपको साइंस आता है, नो। किसी भी फील्ड में अगर आप नॉलेजेबल हो, लेट से अगर आपको क्रिकेट सबसे बेहतरीन तरीके से आता है देन यू नो द साइंस, अगर आपको गाना बहुत बेहतर तरीके से आता है देन यू नो द साइंस। मेरी बात समझ में आ रही है, साइंस इज व्हाट, ए स्पेशल नॉलेज ऑफ एनीथिंग इन एनी पर्टिकुलर फील्ड। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो विज्ञान क्या, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है या फिर क्या, तो किसी को आर्ट्स आता है लेकिन बहुत बेहतरीन तरीके से आता है उसको सारा कुछ, तो ही ऑल्सो नोज साइंस। क्या आप वाकई सुन पा रहे हो? तो सर इसीलिए जब किसी पॉलिटी का, जब पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में आपको जो नॉलेज है तो क्या हो गया, पॉलिटिकल साइंस। क्या समझ में आ रहा है? लेकिन जो सिस्टम है उसको क्या बोलेंगे, पॉलिटी। इसलिए लक्ष्मीकांत के बुक में देखना इंडियन पॉलिटी लिखा हुआ है, और आपके सिलेबस में भी इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस लिखा आता है, पॉलिटिकल साइंस नहीं लिखा आता। पॉलिटिकल साइंस कहां लिखा आता है, आपके 10th क्लास तक के सिलेबस के किताब में एनसीईआरटी, वहां पे पॉलिटिकल साइंस लिखा हुआ, वहां पॉलिटी लिखा हुआ नहीं आएगा। इसलिए क्योंकि हमें पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में बहुत ज्यादा पढ़ना है, समझ में आ रहा है, एंड देन उसके बाद नॉलेज ऑटोमेटिक उसके बाद गेयर करेंगे। तीसरा है गवर्नेंस। गवर्नेंस में है जैसे व्यवस्था, शासन, संचालन। इधर ध्यान से देखना, एक सिस्टम चला रहा है आदमी, क्या बोलेगा उसको, पॉलिटी। उस सिस्टम के बारे में बहुत विशेष ज्ञान है, दैट इज पॉलिटिकल साइंस। एंड थर्ड इज गवर्नेंस। गवर्नेंस का मतलब क्या होता है, जो भी कोई प्रॉब्लम किसी को हो रहा है पब्लिक को, उसका सॉल्यूशन सिर्फ गवर्नमेंट जब दे, दैट इज कॉल्ड गवर्नेंस। मतलब प्रॉब्लम्स के, पब्लिक के प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कौन दे रहा है, गवर्नमेंट, दैट इज कॉल्ड व्हाट, गवर्नेंस। तो व्हाट इज इट, इज द गवर्नमेंट सॉल्यूशन, मतलब इज द गवर्नमेंटल सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स। मेरी बात समझ में आ रही है? तीन चीज क्लियर है, पॉलिटी, लीगल सिस्टम, पॉलिटिकल साइंस, नॉलेज ऑफ द लीगल सिस्टम, एंड गवर्नेंस, व्हेन गवर्नमेंट गिव्स सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स ऑफ द पब्लिक, दैट इज कॉल्ड गवर्नेंस। पहले यहां तक क्लियर है? ये तीन चीज एकदम दिमाग में रखिएगा। मैं बहुत इस बार जो पढ़ाऊंगा ना, बहुत आसानी तरीके से आपको बता के पढ़ाऊंगा, बहुत ज्यादा एग्जैग्रेट भी नहीं करूंगा, आप बस प्लीज अलर्ट रहना, क्लियर है? नहीं तो दिमाग से जाएगा, काम जाएगा। और वीडियो के सहारे मत रहिएगा, मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि ये कब मैं बंद कर दूंगा और कब मैं डिलीट कर दूंगा वो मेरा भी भरोसा नहीं है, इसलिए मैं बोल रहा हूं, क्योंकि कभी कभी ना इंसान के पास ऑप्शंस नहीं होता है तो ज्यादा बेहतर होता है। मेरे पास समझ में आ रही है? समझ में आ रही है? जब इंसान के पास बहुत ज्यादा ऑप्शंस होता है तो निखर नहीं पाते हैं। आप कब पढ़ पाएंगे, जब आपका पूरा घर और आग लग गया, सब कुछ खत्म हो गया, और तब एक ही चीज बचा, लक्ष्य पढ़ना है, तो शायद आप पढ़ लीजिएगा। इसीलिए मैं आपको एक बस खाली नॉर्मल बता देता हूँ, और रहेगा ना कि कोई बात नहीं सर पढ़ रहा हूं, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, वहां जाके बैठ जाऊंगा, पापा का बिजनेस है, मम्मी का बिजनेस है, कर लूंगा, तो हो गया प्रभु, तब आपका कुछ नहीं होना है। मेरी बात समझ में आ रही है? वो आप बस कर लो, मतलब आप उसको रखो बैकअप में। मैं कहानी बस आपको एक मिनट में बताता हूँ, ध्यान से समझना प्लीज, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। एक रियल स्टोरी जो मैं पढ़ाऊंगा अभी आपको, वर्ल्ड हिस्ट्री में थोड़ा सा पढ़ाऊंगा, वर्ल्ड हिस्ट्री वाले के सिलेबस में तो नहीं है लेकिन पढ़ाऊंगा, ध्यान से समझना। वो राजा जो है वो ऐसा था कि उसका लड़ाई जिससे चल रहा था उसको पता चला रात में, ध्यान से समझना, कि एक बहुत ही बड़ा राज वो आप पे अटैक करने वाला है, बहुत पावरफुल राजा अटैक करने, रियल स्टोरी, अभी आप नाम हटा देना। तो ये रात, ये राजा जो सोचा ये काम करते हैं, वो जो हम पे पहले अटैक करेगा उससे अच्छा हम ही उस पे अटैक कर देते हैं, क्योंकि ऐसे भी अपने पास ऑप्शन नहीं, वो मारेगा हम हार ही जाएंगे, तो यहाँ पे उससे पहले हम ही अटैक कर देते हैं, और मामला श्योर एंड शॉर्ट है कि सुबह में हम पे अटैक करने वाले हैं। यस और नो? ये लोग अपना पूरा सज्जा सामान उठाया, उठाकर अटैक कर दिया उस पे, वो लोग इतना मार मारा, ध्यान से समझना, अब वही बात है भाई, पावरफुल है वो लोग, मारा उसको।
लेकिन इन दोनों के बीच में जो इसका राज और जो उसका राज था, उन दोनों के बीच में ना एक बहुत बड़ा ब्रिज था जो कि यहां से वहां, वहां से आने में इजी करता था। जैसे ही सारा सैनिक को बुलाया इधर साइड, पुल तोड़ दिया ये राजा, जो कमजोर वाला राजा था जो रात में अटैक किया, इसने पुल तोड़ दिया और सीधा सैनिक को बोला कि या तो मरो और नहीं तो लड़ लो, बात खत्म, या तो मरो नहीं तो लड़ो। आप यकीन करो वो छोटा सा टुकड़ी ने इतना मार मारा बड़े से टुकड़ी को, एंड दे वॉन। ये रियल स्टोरी है, कोई हाइपोथेटिकल नहीं, कोई मोटिवेशनल नहीं। क्यों? क्योंकि उसके पास ऑप्शंस था ही नहीं, और जब इंसान के पास ऑप्शंस नहीं होता है ना तो बड़ा बेस्ट देता है वो। इसीलिए जब हर किसी का डूब जाता है काम, तब वो वापस से अपने आप को रीजनरेट करता है। तो बहुत ज्यादा ऑप्शंस मत रखिएगा। मैं क्यों बार बार बोल रहा हूँ कि सिर्फ एक ही चीज पे लगा लगा यूपीएससी या स्टेट सर्विसेज पे, ज्यादा पे नहीं, क्योंकि पूरी एनर्जी एक बार हो गई तो काम आसान हो गया। सारा सिद्धांत इसी पे काम करता है। मेरी बात समझ में आ रही है? आना जरा। तो सर ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है जो मैंने बताया, इसको दिमाग में रख लीजिएगा, पॉलिटी के अंदर क्लियर है। अब सर इस सिस्टम के बाद जो मैं ये बताने वाला हूं बेसिक्स, ये बेसिक्स अपने आप में बहुत डेंजरस है, और डेंजरस इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसके बिना फिर आगे आपको मजा नहीं आएगा। इसलिए बेसिक्स समझ लीजिएगा और मार्क माई वर्ड्स, ये बेसिक्स जो मैं आज फर्स्ट क्लास में पढ़ा रहा हूं, ये अंतिम क्लास तक पढ़ा रहा हूं। तो यू कैन जस्ट इमेजिन कि ये काम वहां तक करेगा। इट्स लाइक सॉल्ट, कि सब्जी में कितना भी बेस्ट सब्जी बना लो, नमक अगर छूट गया ना तो मैं बता देना हूं आपका पूरा जो है सारा का सारा, चाहे कुछ भी कर लो, तो नमक जो है ये बेसिक्स है। क्या मेरे बात समझ में आ रही है? क्या अलर्ट हो, बोर तो नहीं हो रहे हो? अलर्ट रहना आराम से सर, थोड़ा अलर्ट रहना और लगे भी कि हाँ कि बस पढ़ रहे हैं, आराम से ध्यान से देखना। अब मैं इसमें एक एक करके ना एक एक लाइन में बता देता हूं, पूरा समझाऊंगा, उसके बाद ये टॉपिक अपने आप आपके अंदर आ जाएगा। जैसे थीम वन के अंदर मैंने भी क्या किया है कि उस बेसिक्स में भी क्या क्या आपके पास होगा वो मैंने यहां लिख दिया है, ताकि चीजें आसान हो जाए। क्लियर? सबसे पहला बात सर, कानून 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 की बात करते हैं, लेकिन कानून आया कहां से, ओरिजिन हुआ कैसे, पहला चीज हो। दूसरा, अगर ओरिजिन हुआ तो उसमें एक रूल ऑफ लॉ कैसे होता है, ये क्वेश्चन यहां से भी पूछता है। तीसरा, तीन शब्द है इसमें, ध्यान से देखना, एक है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म संविधानवाद, एक है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, और तीसरा है कॉन्स्टिट्यूशन। तीनों शब्द अलग है, अपन लोग सबको मिला देते हैं एक ही में, चाहे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म बोले चाहे कुछ बोले, सब वही चल रहा है। जैसे ब्रिटेन बोले चाहे इंग्लैंड बोले चाहे यूके बोले, सबका मतलब इंग्लैंड है, डिफरेंट है। और इसीलिए मैं बोला हूं मेंस में अधिकतर तेज तर्रार बच्चे जिसने प्रीलिम्स में फोड़ दिया चार चार बार पांच पांच बार, नहीं निकल पाता है क्योंकि शब्दों का चयन गलत हो जाता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और वही शब्दों का चयन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप क्या बोल रहे हैं क्या लिख रहे हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की जगह पे आपने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा और आप एग्जामिनर से एक्सपेक्ट करते हैं कि आप मान लीजिए कि हम वही कहना चाहते हैं, आप समझ पा रहे हैं? कभी कभी भी तो होता है ना कि हम लिख देते हैं और हमें मान लेते हैं कि वो समझ जाएगा सामने वाला, भैया वो समझने नहीं आया, उसको पर कॉपी चेक करने का मतलब 100 रुपये 150 बहुत हो गया, 50-100 रुपये मिलते हैं, और ऊपर से लड़के अलग से आ रहा है अपने बीबी से और जो भी है, या हस्बैंड से जो भी, मेरे पास समझ में आ रही है? तो फ्रस्ट्रेशन जो है उसको ऐसा चाहिए कि शब्द जो चाहता है वैसा मिलना चाहिए। क्या मेरे पास समझ में आ रही है? और यूपीएससी में कोई मार्किंग स्कीम नहीं होता सीबीएसई की तरह की, मार्किंग स्कीम चुठाए और दनादन मार दिया, नेवर। एक ही क्वेश्चन के आंसर्स में आपको 10 नंबर मिले होंगे, किसी को 2 नंबर मिले होंगे, क्योंकि आपके शब्द और आपका कंटेंट मैटर करेगा। आइए इधर, उसके बाद लॉज आखिर है तो कितने टाइप्स के हैं, फिर संविधान के कुछ क्लासिफिकेशन हो जाएंगे, गवर्नमेंट सिस्टम हो जाएंगे, ये सब वन बाय वन हम लोग देख लेंगे, क्लियर है। उसके बाद 4 गोल्डन रूल ऑफ पॉलिटी क्या है, उसके बाद मेजोरिटीज क्या होते हैं, और उसके बाद लॉ कैसे पास होता है, और समथिंग क्लियर यहां तक, ये सारा देखेंगे। बट शुरुआत में सबसे पहला शुरुआत यहां से करेंगे, और ये है आपका ओरिजिन ऑफ लॉ। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये खुद से लिखा हुआ भैया, कहीं से भी टाइप होने के बहुत अलग तरीके से लिखा है, मजा आएगा आपको, मेरी बात समझना। क्या अलर्ट हो? अलर्ट रहिएगा प्लीज। मान लो आपने फोन खरीदा, ध्यान से समझना, फॉर एग्जाम्पल, या कोई चीज पहले खरीदा किसी ने, फोन ऑर्डर किया आपने ऑनलाइन, आया फोन, फोन में बैटरी नहीं है, फोन में बैटरी किसी ने निकाल लिया रास्ते में। अब आपने कस्टमर को लेट से फोन किया और कस्टमर बोल रहा है बैटरी नहीं देंगे हम, ये बोला क्यों, बोला कि हमको आपका आवाज पसंद नहीं आया। मान लो कुछ भी हो सकता है, या फिर अगर वीडियो कॉल शक्ल पसंद नहीं आया, तो सर ध्यान से समझना, कस्टमर इस तरीके से किसी को भी कॉल करेगा, ध्यान से समझना, मतलब पब्लिक किसी को भी कॉल किया, कंज्यूमर कस्टमर को कॉल किया, और कस्टमर ये चाहे बोल दे कि हमको पसंद नहीं, हम नहीं देंगे, क्या कर लीजिएगा,
तो देयर इज समथिंग, कुछ ऐसा होना चाहिए कि कस्टमर से जवाबदेही होना ही चाहिए कि उसका जवाब या तो सही से दे या उसका कुछ ना कुछ करके दे। इसलिए एक लॉ का ऑरिजिन जरूरत हुआ कि भैया एक ऐसा लॉ है जो दोनों को बांध देगा कि भैया तेरे को बोलना पड़ेगा और तेरे को बैटरी देना पड़ेगा। तो उन दोनों आदमी के बीच में क्या जरूरत पड़ा? लॉ। और लॉ में क्या है कि भैया वो लॉ से बड़ा इसलिए कोई क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जो कंपनी में काम कर रहा है कस्टमर, जो आपको आपने जिसको कॉल किया है, उसको पहले ही ये बोला गया है कि आपको कस्टमर के साथ अच्छे से बात करना है, उसका जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो लॉ के बीच में आया। तो ऑरिजिन ऑफ लॉ भी कुछ वैसा ही है। कंज्यूमर्स क्या करता है? मनी दिया अमेज़न को, अमेज़न ने उसके बदले प्रोडक्ट दिया, समझ में आ रहा है? दूसरा आपने क्या किया, दैट इज कॉमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट एक बना हुआ है कि अगर हम पैसा देंगे तो अमेज़न आपको क्या देगा? द प्रोडक्ट। एंड प्रोडक्ट शुड बी लाइक बिल्कुल अच्छा होना चाहिए क्योंकि उसने कमिटमेंट किया है, और कमिटमेंट क्या? लॉ है। आगे आना जरा। दूसरा, अब सम रिफंड पॉलिसी और रूल्स है। मान लीजिए कि फोन यहाँ डैमेज था, अमेज़न ने जो रूल्स है उसके तहत उसको फोन देना होगा। अगर रूल नहीं रहता तो कस्टमर कहता कि मैं आपको क्या है भाई 1000 दो, मतलब बोल देता कि 1000 दो मैं बेहतर फोन दे दूंगा, या फिर फोन ला लेगा, या कस्टमर को फोन के आपने बोले कि 10000 दीजिए तब आपको बैटरी चेंज करेंगे, कुछ भी हो सकते हैं। तो सर देयर इज समथिंग जहां पे एक जगह का रिक्वायरमेंट पड़ा हमको और एक लॉ का रिक्वायरमेंट पड़ा, और लॉ का रिक्वायरमेंट पड़ा उसमें एक शब्द है क्विड प्रो क्यू। ये बहुत बार पूछा हुआ है और 2023 के प्रीलिम्स में शब्द पूछा हुआ है। क्विड प्रो क्यू का सिंपल मीनिंग होता है गिव एंड टेक। क्विड प्रो क्यू का क्या सिंपल मीनिंग होता है? गिव एंड टेक, लो और दो। और ये बार बार पूछा हुआ है पॉलिटिक के अंदर। तो सर यहाँ पे इसी शब्द को अलग अलग लहजे में अलग अलग बोला गया, उससे मतलब नहीं है। मैं आपको अभी के लिए बोला जिस तरीके से ओरिजिन और लॉ का ओरिजिन हुआ वैसा ही कुछ होता है यहाँ। सिटीजन अपना वोट देता है किसको? गवर्नमेंट को, और स्टेट उसका सिक्योरिटी प्लस वेलफेयर डिसाइड करती है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, समझ में आ रही है? तो सर क्या क्या देता है? वोट प्लस टैक्स। तो ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट हो गया? सोशल कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि गवर्नमेंट को क्या करना है? किसी भी तरीके से पब्लिक की सुरक्षा करनी है, उसकी सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है, क्लियर? अब ये अगर सोच के देखो, नेताजी के पास कोई लॉ नहीं होता, आजकल तो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गया, लॉ है नहीं। आपने फोन किया नेताजी को, बोला नेताजी आइए हवेली पे, आप समझ पा रहे हैं? और आपका प्रॉब्लम सॉल्व आउट कुछ हुआ ही नहीं। तो लॉजिक क्या है, आप सोच के देखो ना क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। फिर कोई जवाब दे ही नहीं, इसलिए क्या गया, बॉडीज बना दिया, लॉ बनाया गया कि जो भी एमएलए है, जो भी एमपी है, वो रिस्पॉन्सिबल है कि उसका प्रॉब्लम सॉल्व करे, अदरवाइज उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। सर ओवरऑल अगर पूरा बात करें तो ध्यान से समझ लेना एक और चीज, जब हम बोलते हैं ना स्टेट, और एक स्मॉल में लिखते हैं स्टेट, एस स्मॉल है, जब एस कैपिटल रहे ध्यान से समझ, इसका मतलब होता है कंट्री या नेशंस, ध्यान से समझना। लेकिन जब हम स्टेट लिखते हैं स्मॉल लेटर में तो समझना राज्य, ये दिमाग में रख लेना आप, क्योंकि जब हम स्टेट और स्टेट बोलते हैं ना हमें डिफरेंस पता नहीं होता है। अब जैसे मान लो बोलता है ना कि इंडिया इज ए स्टेट, अरे न्यूज़पेपर में भी आता है, और जो नहीं पढ़ लिखा होता है बताइए पत्रकार इतना कितना बेहुदा टाइप का है, इंडिया इज ए स्टेट लिख दिया तो बेहुदा वो है कि समझ पा रहे? तो लॉजिक क्या है, इंडिया इज अ स्टेट। इसलिए अब आपको कॉमन सेंस होना चाहिए कि स्टेट का प्रयोग किया कहां जा रहा है। अगर अल्फाबेटिकल रूल्स होता है तो शुरुआत में स्मॉल लेटर से शुरू करते हैं कि कैपिटल लेटर से, कैपिटल लेटर से, तो कैपिटल से बढ़ रहा है उसके बाद स्मॉल लिखते हैं। तो इंडिया ये स्टेट लिखा है और वहां पे अगर स्मॉल में भी लिखा है तो आपको वहां समझ जाना है कि कंट्री की बात किया जा रही है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यूएसए इज ए स्टेट, तो वहां क्या बोलोगे, यूएसए एक राज्य है? नो, तो आप वहां समझ जाओगे। बट आमतौर पर याद रखिएगा स्टेट में जब इस कैपिटल लेटर हो तो उसका मतलब क्या होता है, कंट्री या नेशंस, और जब स्मॉल लेटर में हो तो क्या होगा उसका। तो सर सबसे पहला मैं चाहूंगा दो तीन बातें लिख लो, पहले लिखो ओरिजिन ऑफ लॉ, हेडिंग डालो खटाखट ओरिजिन ऑफ लॉ, और आपको मैं जो बोलूंगा वही लिखना। ये तो मैं एग्जांपल यहां दिया ही हूं, देखो मैं बताता हूँ, ये नोट्स बनाने में बहुत मेहनत लगा है प्रभु, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ये खुद का है, ये कहीं चेपा हुआ नहीं, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि कहीं और का पीडीएफ उठाया चेप दिया और काम हो गया। ये आपको पूरा बोलते हैं ना लेमन लैंग्वेज, बहुत आसान भाषा में, एकदम बोली मतलब बोलचाल के भाषा में लिखा हुआ है, जैसे कोई दो आदमी बात कर रहा हो। एक तो ओरिजिन ऑफ लॉ लिख लेना, दूसरा क्विड प्रो क्यू लिख लेना, गिव एंड टेक, तीसरा स्टेट और स्टेट लिख लेना। थोड़ा सा नींद नहीं आए इसलिए आप लोग को थोड़ा सा
पनिशमेंट दिया गया है, बाद में जाके मेरे को मत बोलना। हो गया, बस पॉइंट्स उसमें लिख लो, मजा आएगा आज। अगर आपको मैं, मतलब मैं आपको बिल्कुल दिल से बोल रहा हूं, अगर मैं सिलेबस खत्म करना चाहूं जैसे आपका, तो मैं यूं करके, मतलब यूपीएससी सिलेबस की बात कर रहा हूं, लेकिन थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, मतलब 2 to 3 months इज इनफ फॉर मी टू कंप्लीट योर सिलेबस। ज्यादा टाइम चाहिए मुझे, 3 घंटा 4 घंटा इस तरीके का, 4 घंटा 5 घंटा मैं पढ़ाते जाऊंगा, इनफ है। बट पॉइंट क्या है, आपको जितना मैं बोलते जाऊंगा उतना काम पहले करते जाना, वो तब दौड़ाऊंगा जब जरूरत पड़ेगी, अभी जब जरूरत नहीं है, जितना है उस हिसाब से करेंगे, जब जरूरत पड़ेगी उस हिसाब से दौड़ा लेंगे, और 5 घंटा 6 घंटे उस समय खींच भी लेंगे, और आप ही खींचोगे, कोई और नहीं। यहां तक क्लियर है, अलर्ट हो? चलो, गर्मी लगेगी तो एहसास होगा, अभी फैन नहीं चलेगा, ठीक है, आगे और नेक्स्ट। तो सर, अब मैं सिंपल सा एक दो शब्द बता दूं, पहले ओरिजिन ऑफ लॉ की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि सर एक दूसरे के बीच में कॉन्ट्रैक्ट या बाध्यता होता नहीं था, तो कुछ तो ऐसा हो जो हम इस काम को करें, तो नियम ही बना दिए कि ये नियम है और दोनों को मानना पड़ेगा। क्लियर यहां तक? अब आते हैं दूसरा, और ये बहुत काम का चीज है। सबसे पहला, जैसे कि यहां पे याद रखना, जैसे मान लो अगर कोई नियम कानून नहीं रहता, तो सिटीजन जो चोरी करता, समझ में आ रहा है, कोई चोरी करता या किसी ने खीरा चुरा लिया, वो अलग बात है कि खीरा चुराते चुराते हीरा चुराना शुरू कर देता है, लेकिन खीरा अगर चोरी कर लिया तो उसको बोला जज ने कि इसको फांसी दे दो, आप समझ पा रहे, मान लो, तो भाई अगर छोटी सी चीज के लिए अगर फांसी दे दिया जाएगा, और जज कुछ भी दे दे क्योंकि जज के पास पावर है, समझ में आ रहा है, लेकिन अगर एक लॉ बना दिए कि चोरी करने की सजा इतने से इतना हो सकती है, इतना फाइन हो सकता है, बस इतना ही, या फिर 20 कोड़े मार दीजिए, समझ में आ रहा है मेरी बात, तो लॉ वहां पर बाध्यकारी हो गया। लेकिन आप थोड़ा सा चेंज, मामला पूरा चेंज, चेंज क्या, दो ऑप्शन प्लीज समझना सर, आदमी बड़ा है कि लॉ बड़ा है, पहला तो क्वेश्चन ये आता है। अगर मैं आपको बिना पढ़ाए, बिना अभी बताए, सिर्फ आपसे बोल रहा हूं कि लॉ इज ग्रेटर देन पीपल और पीपल इज ग्रेटर देन द लॉ, कौन बड़ा है? लॉ बड़ा होना चाहिए, जिनको लगता है वो हाथ खड़े करें, ठीक, जिनको लगना चाहिए कि नो सर, पीपल इज ग्रेटर देन द लॉ, बिकॉज पीपल मेक्स द लॉ, आदमी ही कानून को बनाता है, तो आदमी बड़ा है, कानून थोड़ी ना बड़ा है, ऐसा ये भी एक पॉइंट हो सकता है जो कि है, समझ में आ रहा है, ध्यान से समझना, मैं अभी बात बस आपसे सिर्फ पूछा हूं, अभी जो मुझे बताना है मैं अपने हिसाब से बताऊंगा, फिर कंक्लूड करेंगे। पहला चीज क्या होता, इंडिया में अगर लोगों को सबसे ज्यादा पावरफुल बना दिया जाता और अगर कानून को बढ़ा दिया जाता, दोनों चांस देखेंगे, प्लीज समझना ध्यान से। यहां देखो, एक है इफ लॉ इज ग्रेटर देन पीपल, देन उसको बोलेंगे रूल ऑफ लॉ, अगर कानून बड़ा है किसी भी आदमी से तो उसको क्या बोलेंगे, रूल ऑफ लॉ, लेकिन अगर कानून छोटा है, पीपल इज ग्रेटर देन द लॉ, देन दैट बोलेंगे रूल ऑफ मैन, दैट इज रूल ऑफ द पीपल। ध्यान से समझना, एक एक चीज समझना, इंडिया में ये होना चाहिए या ये होना चाहिए, आइडिया से बताओ, ज्यादा चांस है कि इंडिया में ये होना चाहिए, अब देखो क्यों, और उस पॉइंट को समझना, क्योंकि इसी पे मेंस में हर साल क्वेश्चन पूछते हैं, प्री में भी पूछते हैं। अगर रूल ऑफ लॉ हमने एडॉप्ट किया इंडिया ने, तो क्यों किया, अमेरिका छोड़ो, यूके में आओ, यूके में सबसे ज्यादा पावरफुल वहां का क्वीन है, वो जैसे उठेंगे ना संविधान चेंज कर देंगे, सुबह उनको मन किया क्या चेंज करते हैं, तो संविधान चेंज, लेकिन इंडिया में इतना औकात नहीं है कि किसी के पास उठे और वो चेंज कर दे, बिकॉज लॉ इज वेरी स्ट्रिक्ट। मेरी बात समझ में आ रही है, लॉ इज ग्रेटर देन द पीपल, वहां पे पीपल नहीं सर, वहां पे लॉ भी नहीं सर, वहां महारानी ही महारानी, सीधा उठी और मन किया आज कुछ नहीं मन है, आज बस चेंज करते हैं, सीधा संविधान ही पूरा कन्वर्ट कर देगा। अब इसको इंडिया ने क्यों एडॉप्ट किया रूल ऑफ लॉ को, ये जरा ध्यान से पॉइंट समझना है। देखो इधर पहला पॉइंट, सबसे पहला चीज है कि इंडिया में इतना ज्यादा कल्चर डाइवर्सिफिकेशन है, ध्यान से समझना, इतना ज्यादा कि अगर हम किसी एक आदमी को पास, सोचो किसी एक आदमी को पावरफुल बना देते, या किसी एक धर्म के, या किसी एक कास्ट के, या किसी एक कम्युनिटीज का, तो बाकी सारा कम्युनिटी नाराज होता, फिर बैकफायर होता और फिर सिविल वार का सिचुएशन होता। तो व्हाट इज सिविल वार सर, अंदर जब लड़े आप अपने देश में ही दो पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्गेनाइजेशंस या दो जाति धर्म लड़े, तो उसको क्या बोलते हैं, सिविल वार, दैट इज ग्रे जोन। मेरी बात समझ में आ रही है क्या, आप सुन पा रहे हो, तो लॉजिक समझना। इंडिया में एक तो कल्चर बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाइड है,
इतना डाइवर्सिफाइड है कि सर सोचो कितना बुरा हाल हुआ होगा इंडियन लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन बनाते समय जिसमें इतना ज्यादा डाइवर्सिटी हो। दूसरा पॉइंट नंबर टू सर, इधर से ध्यान से बचना, रूल ऑफ ब्रिटिशर्स, हम पे अंग्रेज लगभग 200 साल जितने साल राज किए, तो अंग्रेज इतना राज किए कि हम अंग्रेज को देखे थे, और अंग्रेज आदमी थे कि जानवर थे, वो तो अलग बात है कि जानवर टाइप का फीलिंग था, बट थे इंसान ही। मेरी बात समझ में आ रही है? इतना मारा था हमको कि सर हमको इंसान के भेष में ना भूत नजर आता था, ध्यान समझिए, बिकॉज वी कांट ट्रस्ट द ब्रिटिशर्स, हम ब्रिटिशर्स को ट्रस्ट नहीं कर सकते थे क्योंकि वो इंसान था लेकिन इंसान की तरह दिखता नहीं था। तो हमें पता ये था कि हम अगर पावर फिर से किसी आदमी को देंगे तो ये चीज हमारे साथ भी हो सकता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो रूल ऑफ ब्रिटिशर्स इंपैक्टेड अस कि हम लॉ को क्या करें, ज्यादा पावरफुल बने, ना कि किसको, पीपल को, क्योंकि पीपल राक्षस टाइप भी होते हैं। यहां क्लियर है? तो अंग्रेज अगर हम पे राज नहीं कर रहे थे तो शायद हो सकता है वी माइट थिंक कि हम पीपल को ज्यादा पावरफुल दे देते, बट हमने देखा था कि ये हरामखोर हम पे इतना जुल्म कह रहे, तो आदमी को तो हम पावरफुल नहीं बनाएंगे। दो पॉइंट क्लियर, पहला पॉइंट क्या, अंग्रेज का राज, दूसरा पॉइंट क्या, हमारे अंदर बहुत डाइवर्सिफिकेशन। तीसरा आप मुझे बताना, क्या इंडिया से जितने भी राज्य जुड़े सब खुशी पूर्वक जुड़े कि मार कचार के प्यार से ऐसे जुड़े, मार कचार के जुड़े, कोई आदमी प्यार से, कोई चाहता ही नहीं था। इनफैक्ट जम्मू कश्मीर के राजा नहीं चाहते थे कि जाकर जुड़े इंडिया से, इनफैक्ट जूनागढ़ के राजा नहीं चाहते थे, हैदराबाद का नहीं चाहता था, राजस्थान में कोई नहीं चाहता था कि वो जुड़े और जुड़कर उसके बाद काम करे। मेरा समझ आ रही है? नो वन वांट्स टू लाइक इंडिया से जुड़े, मेरे पास समझ में, लोग चाहते थे हम आजाद रहे खुद, और इसका वीडियो मैं भेजूंगा, वो वीडियो देखना है। तो सर इनवॉलेंट्री फेडरलिज्म, यहां समझना इनवॉलेंट्री शब्द का मतलब क्या है, इच्छा से या बिना इच्छा से, बिना इच्छा से, वॉलेंट्री मतलब होता है इच्छा से, इनवॉलेंट्री मतलब बिना इच्छा का। तो चूंकि डर था कि अगर सारे राज्य जबरदस्ती जुड़े हैं, उनको जुड़वाया गया है, और अगर हमने पावर फिर से आदमी को दे दिया तो हो सकता है कल को होकर राज्य अलग होने लग जाए। और आप देखोगे ममता बनर्जी भी बहुत बार क्या क्या बोलती हैं कि सर हम चाहते हैं कि बंगाल को एक अलग देश बना दे, हालांकि उसके बाद वो मुहिम चल नहीं सकता क्योंकि लॉ में लिखा गया है किसी भी राज्य के पास इतना पावर ही नहीं है कि वो अलग बना ले, ये लॉ ही नहीं है, उसको चैलेंज ही नहीं किया जा सकता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो सर तीसरा पॉइंट हो, और चौथा पॉइंट तो सर और डेंजरस, आप उसको कह लो या जो भी कह लो, जिस समय हम आजाद हुए थे उस समय ध्यान से समझना, और एक चल रहा था मेल, हमारे पुरुष और हमारी फीमेल, मेल मात्र शिक्षित थे, दैट इज 19%, एंड फीमेल, ये भी बहुत ज्यादा डेटा है, एंड फीमेल वाज अप्रोक्स 3-7 या 9%। तो जिस समय पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो उस समय पूरे जनता जो पॉपुलेशन था अशिक्षित हो, तो फिर हम लॉ को ही पावरफुल बनाएंगे कि पीपल को बनाएंगे, लॉ को बनाएंगे, क्योंकि सर जब अशिक्षित है तो मूर्ख तो कोई भी बना लेगा उनको, यस और नो? और जो मुट्ठी भर लोग हैं वो फिर से मूर्ख बनाते हैं, तो एक गुलामी से निकलते हैं फिर दूसरे गुलामी में आ जाते हैं। क्या समझ में आ रहा है मेरी बात? तो व्हाई लॉ इज ग्रेटर देन पीपल, पॉइंट नंबर वन वी हैव ग्रेट डाइवर्सिफिकेशन, सबसे पहला पॉइंट। नंबर टू, अंग्रेज का राज ऐसा था कि हमने इंसान को देखा था और भूत नजर आता था इंसान के शक्ल में, तो वी कांट ट्रस्ट द पीपल, दैट्स व्हाई हमने लॉ को बड़ा बनाया। पॉइंट नंबर थर्ड, क्या बोला मैंने, सारे राज्य इंडिया से जुड़े थे इनवॉलंटरी फेडरलिज्म, वो अपने इच्छा से नहीं जुड़े थे, तो इस बात का डर सभी संविधान मेकर को था कि कल को के लोग फिर अलग हो जाएंगे और फिर देश में एक सिविल वॉर क्रिएट होगा, सो देयर शुड बी लॉ ग्रेटर देन द पीपल। एंड पॉइंट नंबर फोर, क्या बोला पॉइंट नंबर फोर, मेल लिटरेसी और फीमेल, पूरी जनता जब अशिक्षित है तो हम, सर ये डेटा बहुत हैरान करने वाली है, और जब उतनी जनता अशिक्षित हो तो पीपल को पावर देना मतलब फिर उसके बाद पूरा का पूरा मूर्ख और गुलाम होना। क्या यहां तक क्लियर है? These four points convinced that, क्या convince किया कि law is greater than the people, and हमने इसलिए क्या choose किया, law बड़ा या people बड़ा, law बड़ा, and that's why India में rule of law चलता है। क्या यहाँ तक पहले clear है? और ये points आपको हर जगह premium पर लिखना है। मैं बता दूँ, polity में जो आप पढ़ते हैं और polity जो आप सोचते हैं उससे पूरा उलट है यहाँ चीज। जो आप सोचते हैं ना polity में, हाँ बस राजा महाराजा तो नहीं, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री, बिल्कुल नहीं, पॉलिटी इज ग्रेटर देन दैट, एंड ट्रस्ट मी आपको कंटेंट इतना मजा आएगा कि आपको लगेगा कि हाँ यार पॉलिटी ऐसे भी पढ़ सकते हैं। अब तक तो एनसीईआरटी पढ़ रहे थे और बीजेपी नेशनलिस्ट पार्टी है कि कांग्रेस नेशनलिस्ट पार्टी है, यही कांड करते हुए आ रहे थे। क्या मेरी बात समझ आ रही है? क्या बोल रहे हैं आप? तो सर अभी तक जो मैंने पढ़ाया थीम नाइन के बाद मैंने बेसिक्स बताया, पॉलिटी, पॉलिटिकल साइंस, आपको लीगल सिस्टम के बारे में बताया, गवर्नेंस, क्लियर यहां तक? उसके बाद फिर थोड़ा गाड़ी आगे बढ़ता है, और गाड़ी आगे बढ़ने के बाद ओरिजिन ऑफ लॉ,
एंड देन व्हाई लॉ इज ग्रेटर देन पीपल, चार पॉइंट्स यहां तक क्लियर, यस और नो? अमेरिका में क्यों रूल ऑफ लॉ है? बिकॉज वहां पे वो कांड नहीं हुआ, वहां पे उतना डाइवर्सिफिकेशन नहीं है जो इंडिया में है, वहां अंग्रेजों ने उस कदर नहीं काम किया जो है। तीसरी बात, वहां पे जो राइट्स है वो बहुत अलग है, वहां पे दो दो सिटीजनशिप मिलता है अमेरिका में, एक अमेरिकन गवर्नमेंट का कंट्री का और दूसरा जो राज्य है उसका। जैसे हम लोग हैं तो हमारा एक ही नागरिकता है क्या, भारतीय, वी कांट से वी आर बिहारी, हमारा कोई आइडेंटिटी कार्ड नहीं है बिहारी का, बट वहां पे यूएसए के अंदर एक अमेरिका का नागरिक और दूसरा वोटर आई कार्ड उनके राज्य का है। फॉर एग्जाम्पल अगर वो न्यूयॉर्क है तो न्यूयॉर्क का कार्ड अलग है, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और इसलिए यूएसए में डिफरेंट चलता है रूल ऑफ मैन का, इसलिए राष्ट्रपति एक बार बोला तो बोल दिया बात खत्म, और इसलिए वहां पे राष्ट्रपति को भी इलेक्ट किया जाता है, वो अलग बात है। बट अभी के लिए समझना इंडिया में लॉ क्यों ग्रेटर है। अगर आप बहुत लोगों से पूछोगे ना तो बहुत लोगों का जवाब ही अलग होगा, बट आपको पूछने की जरूरत है नहीं, प्री मेंस में हर बार पूछता है, आपको दिमाग में रख लेना है, काम आसान हो जाएगा। क्लियर है? रूल ऑफ लॉ, ओरिजिन ऑफ लॉ एंड व्हाई लॉ इज ग्रेटर देन पीपल, पहले यहां तक क्लियर है तो हाथ खड़े करो। क्लियर? अब सर अगर हम नहीं लेते, अगर हम रूल ऑफ मैन लेते तो दोनों का अपना प्रोज एंड कॉन्स है, दोनों का अपना फायदा नुकसान है, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो सर ध्यान से समझना, सबसे पहला प्रोज क्या है, रूल ऑफ लॉ में क्या प्रोज है कि सर, एक तो पहली बात की जो भी रूल ऑफ लॉ में अगर लॉ को पावरफुल बनाया है तो लॉ स्टेबल है, लॉ को हर दिन उठ के चेंज नहीं कर सकते, तो लॉ एक स्टेबल है, ध्यान से। दूसरा अगर यहां पे बात करते हैं रूल ऑफ मैन में, प्लीज समझना, अच्छा एक बात बताओ, जब बहुत सारे लोगों के पास पावर है रूल ऑफ लॉ, आप बोलेंगे यहां जाओ वहां जाओ, तो कोई भी नियम पास कराना हो तो 10-15 आदमी से पूछना पड़ेगा, है ना? लेकिन जब रूल ऑफ मैन हो, एक ही आदमी हो, बोल दिया खत्म, यस नो, इट्स लाइक रॉकी भाई, तो बोल दिया तो बस अपना रूल क्या हो गया, एग्जीक्यूट हो गया। तो रूल फास्ट एग्जीक्यूट हो सकता है रूल ऑफ मैन में, तो अमेरिका अगर कुछ किया तो हो जाएगा जल्दी, लेकिन यहां पे थोड़ा सा प्रोसेस क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। दूसरा उसके बाद इजिली चेंजेबल, आदमी है सुबह उठा चेंज कर दिया, लेकिन जब लॉ है इसको इतना जल्दी चेंज नहीं कर सकते, बिकॉज वी हैव द प्रोसेस, बहुत सारा कटाना पड़ेगा, अगर ट्रिपल तलाक लॉ लाना है तो उसके लिए इतना जद्दोहद करना पड़ेगा, ऊपर से कितना झंडा उठेगा वो अलग चीज है। लेकिन अगर रूल ऑफ मैन है, एक बार बोल दिया सऊदी अरब में क्या कि जकात लगेगा, दूसरा क्या बोल दिया कि भैया यहाँ पे धर्म, धर्म इज ग्रेटर देन द लॉ, सऊदी अरब में रिलीजन इज ग्रेटर देन द लॉ, वहां धर्म सबसे पहले आता है लॉ बाद में, और इस वजह से सर हालत ऐसी है कि वहां पे मुस्लिम्स को कोई भी चीज टैक्स देने की जरूरत नहीं है, बाकी सारे लोग टैक्स देंगे, और जब मुस्लिम्स को एक चैरिटी के नाम पे जकात एक देना पड़ता है, मन करे तो दो नहीं तो मत दो, बट दे डोंट पे द टैक्स बिकॉज दे आर इस्लाम्स, तो धर्म के नाम पे वहां पे प्रेयर। बट इंडिया में ऐसा है क्या? नो, लॉ इज ग्रेटर देन द रिलीजन, लॉ इज ग्रेटर देन द पीपल, लॉ इज ग्रेटर देन द एवरीवन, इंडिया में कोई धर्म किसी लॉ से कुछ भी कहीं पे भी बड़ा नहीं है, मेरे बात समझ में आ रही है? यानी कि लॉ इज ऑलवेज ग्रेटर देन द पीपल, क्यों? इंडिया का हमारा वैसा कल्चर है, मेरे बात समझ में आ रही है? नीचे आना जरा, नेक्स्ट। तो सर अगर आदमी अकेले है तो उसका मिसयूज भी तो कर सकता है, एक कहावत है एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, अगर किसी एक इंसान के हाथ में पावर पूरी तरीके से दे दिया जाए तो करप्ट कर ही देगा, ज्यादा दिन तक नहीं सर वो खत्म कर ही देगा, मेरी बात समझ में आ रही है? एक समय उसको आएगा अपन ही ची भगवान है फीलिंग आएगा, और जिस दिन फीलिंग आएगा उस दिन पूरा का पूरा तहस नहस करेगा। इसलिए याद करो शिव जी ने एक आदमी को वरदान दिया था कि जिसके भी हाथ में रख दो भस्म हो जाएगा, अरे भस्म असुर, तो शिव जी के पीछे ही घूम रहा है केने वाली, हाथ समझ में आ रहा है, और शिव जी भागे फिर है उसके बाद, तो कांड अलग है। लॉजिक है एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, सो रूल ऑफ मैन कैन नॉट बी गुड फॉर इंडिया, पहली बात तो ये। दूसरा अब सर यहां पर वही मैंने लिखवाया जैसे नुकसान है तो टफ है, टफ टू चेंज स्लो, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो जब लॉ बड़ा हो उसके कुछ फायदे भी है उसका कुछ नुकसान भी है, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए, और इंडिया ने क्यों रूल ऑफ लॉ को किया समझ में आपको आ गया, क्लियर यहां तक? सर हम अगर ये करते ना तो सिनेरियो बिल्कुल अलग होता और शायद हो भी नहीं पाता। तो मेंस में जनरली आपको दिमाग में रखना है, यहाँ पे अगर मैंने बोला है तो कुछ चीजें मैंने लिखी हैं कि आपसे मेंस में पूछा जाता है कि सपोज आप इस जिले के डीएम है, आपको पहले ही बना दिया जाता है इंटरव्यू में, वो अलग बात है कि मार्क्स आने के बाद फिर पता चलता है कि आपका क्या होगा क्या नहीं होगा, बट इंटरव्यू में यू आर द डीएम, यू आर द पीएम, यू आर द सीएम, यू आर द एवरीथिंग इन इंटरव्यू, और इंटरव्यू में इसलिए पहले पूछा जाता है, सपोज इफ यू आर द पीएम What should be your take on education system? तो पूछना कुछ नहीं चाहता है वो, पहले यही पूछना चाहता है कि education system पे आपका knowledge है कि नहीं। अब जैसे आदमी बोलेगा computer का knowledge है कि नहीं, बोले हाँ है, खुल के कस देते हैं।
अब सर इस टाइप के जो कंप्यूटर का नॉलेज जो बताने वाले हैं तो सर वो तो बहुत डेंजरस हो जाएगा। तो सर जनरली ये काम किया जाता है, यूपीएससी का इंटरव्यू हमेशा आसान होता है लेकिन ये क्वेश्चन में पूरा पूरा पहलू ढूंढ लिया जाता है। सीधा बोल दीजिएगा, रमेश आपके घर पे मैं आया हूँ, अब आप मुझे पूरे अपने घर और पूरे अपने जिले में घुमाइए, आप कहाँ कहाँ मुझे ले चलेंगे। तो सर एक क्वेश्चन पूछा है चुपचाप, लेकिन वो जानना चाहता है कि आप अपने कल्चर से उस एरिया में रिलेटेड कितने हैं, कौन से मंदिर के बारे में आपको पता है, कौन सा फेमस जगह के बारे में पता है। एक क्वेश्चन से ओपन एंडेड जवाब उसको मिल जाएगा, बात खत्म। इधर आइए। तो सर ध्यान समझना, अगर रूल ऑफ लॉ ग्रेटर देन रूल ऑफ मैन नहीं रहता तो डीएम भी अपनी मनमर्जी करते। मेरी बात समझ में आ रही है? जब आप डीएम बनेंगे तो डीएम आपको बनेंगे तो डिजास्टर मैनेजमेंट अधिकतर डीएम सब मनाते रहता है, स्पेशली मोतिहारी में आने के बाद, कि एक बार बाढ़ आ जाओ। ध्यान से समझना, इतना कम आता है इसलिए बता रहा हूं आपको क्योंकि बाढ़ जब आते हैं या आपदा, कोई भगवान करे ऐसा आप ना सोचे, कोई सोचेगा भी नहीं, लेकिन कुछ हरामखोर लोग हो जाते हैं जो बन जाने के बाद कुछ कांड करप्ट, तभी तो न्यूज में आता है ना। तो सोचते एक बार बाढ़ आ जाए। बाढ़ आने से क्या होता है, जितना भी फंड होता है डीएम इज द हेड, चूंकि डीएम पहले है तो आपदा प्रबंधन का भी हेड उसी को बनाया जाएगा, और उसमें का जो भी पैसा आता है उस पैसे का कोई ब्यौरा नहीं दिया जाता है, नो डेटा नथिंग। जो पैसा आया उस पैसों को डीएम जहां मन किया वो खर्च किया, उतना ही अपने हिसाब से शो कर दिया, उसका जवाब दे ही नहीं। मेरी बात समझ में आ रही है? और यहाँ पे कुछ डीएम जब जब आते हैं वो मनाते हैं, बाढ़ में इतने कमा के गए, नाम लेना तो उचित नहीं होगा लेकिन फिर भी नाम लेने में क्या ही है, समझ में आ रहा है? बहुत सारे, हाँ तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो काम कमा के जो है यहाँ से गए। मेरी बात समझ में, तो लॉजिक क्या है, आपदा प्रबंधन भाई। तुम देखो आप भी डीएम बनो, बस ये मनाना मत कि आप उस तरीके का कांड करो, क्योंकि न्यूज में जब रहना ही है तो कुछ अलग चीज के लिए न्यूज में रहो। जैसे अरुणाचल प्रदेश के एक आईएएस ऑफिसर ने क्या किया, सिंपल देखा कि यहां से लेकर जाना डिलीवरी में महिलाओं के लिए बहुत समस्या है, रास्ता इतना टफ था, तो मोटरसाइकिल एम्बुलेंस शुरू कर दिया खुद के पैसा से, और मोटरसाइकिल से जो है एम्बुलेंस को इस्तेमाल किया गया, उस तरीके का उसको सिस्टम बना दिया गया, खुद अपना पैसा लगाया और अपने दोस्तों को बोला, लोगों को बोला, और उन लोगों ने पैसा गवर्नमेंट से मांगता रहा, गवर्नमेंट ने फंड ही नहीं दिया। तो ऐसा भी होगा, और आपने अपना पैसा फिर अपने दोस्तों से लिया, कलीग से लिया और वेबसाइट पे डाल दिया, ट्विटर का सहारा लिया, वहां के लोगों ने 10,000, 2,000, 1,500 आपने किया, अपना लगाया 10 लाख 15 लाख पूरा लेके और काम हो गया, और धूमधाम से चल रहा है नॉर्थ ईस्ट के अंदर, दैट इज सो मच पॉपुलर कि कुछ पूछो मत। तो ये सिर्फ आईएसई बन के कर सकते हो, बैंकिंग में बन के सिर्फ एक ही चीज कर सकते हो, हाँ सर आपका बैलेंस इतना है, आपका पासबुक एक्सपायर होने वाला है, कल आइएगा छपवा के चल जाइएगा, आप समझ पा रहे हैं मतलब, उसका भी अपना अलग है, बट आई फील कि जब यंग है तो थोड़ा ऊपर सोचिए। तो सर यहाँ ध्यान से देखना, ये लिखने का बस कारण ये था कि रूल ऑफ लॉ क्यों इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, क्या समझ में आ गया, बाकी इसको आप इग्नोर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है जी। अब दूसरा, अब आते हैं तीन शब्द जो बोला था वो नेक्स्ट टॉपिक पे, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज एंड कॉन्स्टिट्यूशन। ये बहुत काम का चीज है और इसी बेस पे पूरा रहेगा, ठीक है। गर्मी लग रही है, फील करते रहना, थोड़ा देर बाद फिर चलेगा, ठीक है। नहीं तो गर्मी के बाद थोड़ा देर बाद जो है, पानी चाहिए, पानी बॉटल तो है उसमें, शायद पानी नहीं है इसमें भी, खत्म नहीं, कोई नहीं, ध्यान से देखना एक बार, और आप लोग कोशिश करना कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म और ये जो तीनों शब्द है इसको मैं जो बोलूंगा एक एक ठेठ भाषा में लिख लेना। पहला चीज तो वो एक है संविधानवाद, ध्यान से समझना, वाद शब्द जहां भी आए, लिज्म जैसे आया ना, बहुत सारा कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के बाद बहुत सारे शब्द आते हैं, इज्म 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 लिज्म लिज्म, बहुत सारे शब्द आते हैं। फॉर एग्जांपल ध्यान से समझो, जैसे आया इज्म, क्या क्या शब्द में आ सकता है, जैसे और सारे जितने भी इज्म जहां पे भी है, इज्म जहां पे भी है, उसका बस एक बात समझ लेना कि सर हर जगह पे वो एक उसका मतलब ही होता है कि कोई भी पावर, कोई भी चीज उसको रिस्ट्रिक्ट किया जाए। ध्यान से समझो, जैसे ये एक आइडिया है, इट इज अ पॉलिटिकल थ्योरी और आइडिया टू लिमिट द स्टेट, हाँ उसका अच्छा है, या ऊपर में चलिए वहां पर मिल जाएगा, आरओ होगा आरओ। तो ध्यान से समझना, इधर वाद शब्द आया तो मतलब आइडिया, जैसे मैंने बोला संघवाद तो एक आइडिया आया कि ऐसा होना चाहिए, क्या मेरी बात समझ में आ रही है। मैंने बोला नेपोटिज्म तो सर मैंने बोला कि एक आइडिया आया, तो सर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एक आइडिया आया, आइडिया क्या आया कि सर हम पावर लॉ को तो दे रहे हैं लेकिन लॉ को देने के बावजूद भी हम कुछ वैसा करते हैं कि उस लॉ को जो इस्तेमाल करेगा गवर्नमेंट वो तो मनमर्जी इस्तेमाल ना करे ना। अरे भैया मैंने बोला ये लो तुम्हारा मार्कर, ये लो तुम्हारा गाड़ी है, ठीक, और ये तुम्हारा है, ये लॉ के हिसाब से मैंने बोल तो दिया, बट मुझे ये भी तो बोलना जरूरी हो गया बेटा स्पीड लिमिट में चलाना, किसी को ठोक मत देना,
और सलमान खान की तरह मारने का भी मत बोलना कि हम वहां नहीं थे, मतलब मेरी बात समझ में आ रही है। तो लॉजिक क्या है कि सर आपने आइडिया लाया कि सर जो पावर दिया है आपने उस पावर को लिमिट रखें, दैट इज द आइडिया, और उसी आइडिया के लिए आपने अलग अलग नियम बनाए। अब जरा नीचे देखो तो सर ये क्या हो गया, एक तरीके से एक लॉ का ओरिजिन हुआ। दूसरा लॉ क्या, क्यों लॉ क्यों बनाए, ताकि उस आइडिया से हम उसको क्या कर सके, लिमिट कर सके पावर। मेरी बात समझ में आ रही है। तो इधर से फिर बोल रहा हूं, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मतलब क्या है, आइडिया, और आइडिया क्या आया कि कुछ लॉ ऐसा बनाते हैं ताकि पावर को क्या करे, रिस्ट्रिक्ट करे। उसके लिए हमने क्या बनाया, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज। और हमने उसके बाद क्या बनाया, तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के बाद कॉन्स्टिट्यूशन। और कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पावरफुल क्यों है इंडिया में, किस पे कसम खिलवाया जाता है, संविधान पे कि गीता पे? अब ये तो ज्यादा पॉपुलर आप क्या सुन रहे होंगे कि मैं गीता पे कसम खाता हूँ, गीता पे हाथ रखे कसम खाता हूँ कि सिर्फ झूठ बोलूंगा और झूठ के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा। सच तो वही है, मतलब बोलने के बोले सच बोलूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन बोलता आदमी वही है जो उसको बोला गया रहता है, उनको भी दे दीजिएगा पानी, ठीक है? मेरी बात समझ में आ रही है। तो लॉजिक क्या है इधर, कॉन्स्टिट्यूशन आप मुझे बताना क्या है। तो ध्यान से समझो, आप लोगों को क्या लगता है कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? तो कुछ लोगों को भी लगता है उससे मतलब नहीं, कुछ लोगों को लगता है सर कॉन्स्टिट्यूशन एक किताब है, कुछ लोगों को लगता है सर कॉन्स्टिट्यूशन एक नियम है, और कुछ लोगों को लगता है सर कुछ तो है लेकिन बहुत बड़ा है। आप समझ रहे, कुछ ऐसा भी होता है कि कुछ तो है पता नहीं है बट सो मच पावरफुल, इट्स सो मच, ये इट्स लाइक वाओ। समझ रहे, तो लॉजिक क्या है कि सर ध्यान समझना, कॉन्स्टिट्यूशन इज सिंपल अ लॉ, जैसे और सारे कानून है वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन भी एक कानून है। तो सर कॉन्स्टिट्यूशन में इतना क्यों भौकाल चलता है? कॉन्स्टिट्यूशन का भौकाल इसलिए चलता है बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन उसको चेंज करना बहुत डिफिकल्ट है, दैट्स व्हाई इट इज अ स्ट्रॉन्ग लॉ। मेरी बात समझ में आ रही है? तो लॉजिक मैंने क्या बोला, कॉन्स्टिट्यूशन क्या एक लॉ है या कॉन्स्टिट्यूशन एक किताब है? इट्स अ लॉ बट इट्स ए ग्रेटर देन एनी लॉ, क्योंकि उसको चेंज नहीं किया जा सकता, और जो चीज चेंज नहीं किया जा सकता अपने आप में पावरफुल होता है। और सारे लॉ को चेंज कर सकते हैं, ट्रिपल तलाक चेंज कर सकते हैं, That is also a law. अगर हमने और चीज की बात करी, let's say पंचायत वाला law change कर सकते हैं, yes पहले इतना मिलता था अब इतना मिलेगा, yes that is a changeable, but law and that is a constitution उसको change नहीं कर सकते, that's why it's a very powerful। मेरे पास समझ में आ रही है? तो तीन शब्द क्लियर है, constitutionalism, constitutional laws and the third one is constitution, done। ये तीनों शब्द दिमाग में रहना चाहिए। एक आइडिया आया, उस आइडिया के कारण हमने लॉ बनाया, और लॉ में कुछ वैसे लॉ को इतना पावरफुल कर दिया उसको हम कॉन्स्टिट्यूशन कह रहे हैं। क्लियर है? एक एक सब क्लियर होना चाहिए, ध्यान से समझना। अब सर इसको समझने के लिए बस एक और कानून मैं बोलूंगा, उसके अलावा अलग अलग चीज आपको समझना है। अब देखो, जब हम बात करते हैं कि सर कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, बट इस स्टेटमेंट को प्लीज ध्यान से पढ़ना, एक बार 30 सेकंड दे रहा हूं, इसको पढ़ के समझने की कोशिश करना। मैं चाहता ना तो ये मैं नहीं बताता आपको, सब पढ़ाता मेरी जरूरत नहीं है, मैं बता दूं आपको, समझ में आ रही है? कोई जरूरत नहीं है, मैं सीधा आपको स्टार्ट करता, पता है कहां से? चलो खोला लोगन, सीधा वापस किताब खुलवाता और स्टार्ट करता कहां से पता है आपको? या तो प्रियम्बल पढ़ा देता, या फिर आपको टेरिटरी पढ़ा देता, या कुछ। ये शब्द कहीं भी नहीं है, ये सब लक्ष्मीकांत पढ़ने जाओगे मारे जाओगे, वहां पर शब्द आएगा एक एक बार, ऐसा ऐसा शब्द आएगा। लक्ष्मीकांत का हिंदी वर्जन भी आपको समझ नहीं आएगा, उसके लिए भी हिंदी टू हिंदी डिक्शनरी चाहिए। मेरे पास समझ में आ रही है? उसको और टेंशन हो जाएगा लक्ष्मीकांत पढ़ के, दैट्स व्हाई मैं बोल रहा हूं कि मेरे क्लास के करने का था, कोई किताब मत पढ़ो जी, मान कैमरा बोलो, मेरे नोट्स चार्ट के जाओ, पूरी तरीके से काम हो जाएगा। क्लियर यहां तक? इधर देखना ध्यान से। तो सर इसका मतलब किसको तो समझ में आया, कॉन्स्टिट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ कह सकते हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन भी तो एक लॉ ही है, बट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज को कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कह सकते, क्योंकि ऐसा होता तो ट्रिपल तलाक को भी कॉन्स्टिट्यूशन बोल रहे होते हैं। अच्छा मुझे बात बताना, क्या एवरी लॉ इज ए कॉन्स्टिट्यूशन? नो no, अरे भैया अभी तो बता, अगर हर लॉ कॉन्स्टिट्यूशन हो जाता तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन तो पावरफुल क्यों होता? अगर हर कोई रॉकी भाई हो जाता तो रॉकी भाई पावरफुल कैसे होता? तो रॉकी भाई इज अ कॉन्स्टिट्यूशन समझ लो, एग्जांपल से एकदम, एंड रॉकी भाई को चेंज करना डिफिकल्ट, बाकी और भी उनके मुर्गे मुर्गे दे कैन बी चेंजेबल, इधर पैसा दिया उधर चला गया। मेरी बात समझ में आ रही है? तो लॉजिक क्या है, रॉकी भाई के सारे मुर्गे मुर्गे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, रॉकी भाई इज अ कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज ही कैन बी चेंज, दैट्स व्हाई रॉकी भाई इज ऑल्सो ए कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, बट ऑल रॉकीज भाई गुर्गे मुर्गे इज नॉट ए रॉकी भाई। क्या मेरी बात समझ में आ गए? सो इसीलिए आपको ये पॉइंट दिमाग में रखना है, क्यों? स्टेटमेंट में पूछता है प्रभु, और अब स्टेटमेंट कैसे आता है, ओनली वन इज करेक्ट, ओनली टू इज करेक्ट, ओनली थ्री इज करेक्ट, यानी कि अब आपको चारों स्टेटमेंट के बारे में पता होना चाहिए। पहले एक आता है, दो आता है, तो बस
जा रहा है एलिमिनेट करके, अब एलिमिनेशन भी डिफिकल्ट हो गया है, तो थोड़ा सा एलिमिनेशन वही कर पाएगा जिसके पास कॉन्सेप्ट होगा, तभी मैं ये पढ़ा रहा हूं, अन्यथा प्रीएम्बल पढ़ाता, गवर्नर सीएम जुडिशियरी मामला खत्म, थैंक्स पॉलिटी के सिलेबस के लिए। क्लियर है? तो सर यहां तो बोले क्लियर है, यस और नो? ठीक, तो तीनों लॉ के बाद अब आते हैं, यहां ध्यान से समझना, हमारा यूके, और यूके जब बोलूं तो अब आपको क्लियर कट पता होना चाहिए, मैप में दिमाग जाना चाहिए, यस और नो? तो सर यूके में तीन लॉज मात्र है वहां पे, ह्यूमन राइट्स, पार्लियामेंट रेगुलेशंस, सुप्रीम कोर्ट एक्ट। आपको जानकर हैरानी होगी, जिसने पूरी दुनिया पर राज किया वहां पर भी सुप्रीम कोर्ट 2012 और 14 में है, यूके में सुप्रीम कोर्ट ही नहीं था। तो लॉजिक क्या है, कैसे होता था, अलग ही लेवल पर चलता था काम, पर समझना जरा उसका लॉ और एक्ट बाद में बना। तो ये तीन का क्या मतलब है, देखो क्या इन तीनों को हम बोल सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ? यस, अलग अलग है, लेकिन उसके अलावा नीचे देखना, इंडिया के पास दैट इज अ वन लॉ। ये अलग अलग है तीनों, जो अलग अलग पावरफुल है, ह्यूमन राइट्स अलग है, सुप्रीम कोर्ट का अलग है, पार्लियामेंट रेगुलेशन अलग है, इंडिया में क्या है, ओनली कॉन्स्टिट्यूशन। और इसके तहत, इस लॉ के तहत बहुत सारा चीज है, जैसे आईपीसी का धारा बना दिया गया, जैसे सुप्रीम कोर्ट का है, सब कुछ उसके अंदर है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बोल दिए छाता, छाता के अंदर सारा कुछ, यूपीएससी इज अम्ब्रेला, अम्ब्रेला के अंदर सारे एग्जाम्स आ गए, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और यूके के अंदर सेपरेटली हर चीज के लिए अलग अलग लॉ बनाया गया है, कि ये लो ये ह्यूमन राइट्स का है, ये इसका है, ये इसका है, मेरी बात समझ में आ रही है? तो सर जब हर चीज का एक लॉ और वो स्ट्रॉन्ग हो और उसके अंदर बहुत सारे लॉ है, तो हमारे पास दो तरीके का ऑप्शन होता है, इधर ध्यान रखना, या तो कॉन्स्टिट्यूशन ग्रेटर देन पीपल हु मेक इट, और दूसरा पीपल ग्रेटर देन कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने जो बोला ध्यान से समझना, जिसने संविधान को बनाया वो भी आदमी उस संविधान से छोटा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर भीमराव अंबेडकर ने बनाया तो क्या भीमराव अंबेडकर कॉन्स्टिट्यूशन से ज्यादा पावरफुल हैं कि कमजोर हैं? कमजोर है सर, ध्यान में रखना, मतलब अभी समझाने के सेंस में बोल रहा हूँ, स्ट्रॉन्गर और शब्द जो है चयन थोड़ा गलत है, बट समझने के लिए इजी है। क्लियर है यहां तक? तो लॉजिक क्या है सर, कॉन्स्टिट्यूशन इज ग्रेटर देन पीपल हु मेक इट, लेकिन यूके में चलता है कॉन्स्टिट्यूशन इज स्मॉलर देन द पीपल, दैट इज पीपल ग्रेटर देन कॉन्स्टिट्यूशन हु मेड इट। मैंने क्या बोला, यूके में महारानी एलिजाबेथ उठी, मन की यार मन नहीं लग रहा है, संविधान चेंज करते हैं, संविधान चेंज कर दिया। बट भीमराव अंबेडकर सुबह उठ के और बोले कि यार संविधान जो लिखे थे कल चेंज कर रहे हैं, समझ रहे हैं? चार आदमी पहले क्यों नहीं मारेगा, समझ पा रहे? उसके बाद अलग जो बवाल होगा सो अलग। क्लियर यहां तक? तो लॉजिक क्या है, यहाँ पे आना प्लीज, ये बेसिक्स में बस मुझे टाइम लग रहा है, उसके बाद ये यूं 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 जाएगा, क्योंकि अगर बेसिक्स नहीं समझ में अगर आपको आया तो उसके बाद ना मैं भूलता जाऊंगा। याद है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पढ़ाया था और आपको पढ़ाया था, तो आपको रिविजन होना चाहिए। अरे जैसे एनसीईआरटी में लिखा रहता है, यू हैव ऑलरेडी रीड इन क्लास 8, अरे भाई एनसीईआरटी में लिखा रहता है कि आप पिछली कक्षा में पढ़े हुए हैं, और उस समय आप लोग रहते सच में पढ़े हुए हैं क्या? समझ में आए? उस समय किसी को कुछ याद नहीं हो रहा होता है, और उस समय फिर जाकर वो क्लास में देखता ही देखता है कि सर हमको कुछ याद नहीं है, एनसीईआरटी वाला बोल दिया है कि आप पहले पढ़ चुके हैं, आप सब पढ़े। चलिए नीचे आइए, नेक्स्ट दो चीज। अब ये पूरा का पूरा जो लिखा है, इन सब को पूरा तरीके से समेटने के लिए एक नीचे का ये माइंड मैप काम आ जाएगा। दिख रहा है आपको, इतने सारे लॉ भयंकर जुड़े हुए हैं, और उसमें सबसे सुप्रीम लॉ कौन सा है, कॉन्स्टिट्यूशन, और उसके अंदर आपका जस्टिस जुवेनाइल, आईपीसी, L5, ये लॉ, ये पॉक्सो एक्ट, कंपनी, ये सब उसके तहत है, उसी के बेसिस बनाकर किया जा रहा है। लेकिन क्या ये सब गुर्गे मुर्गे कॉन्स्टिट्यूशन हो सकते हैं क्या? नो। तो इट्स लाइक रॉकी वाय एंड देन गुर्गे मुर्गे इज लाइक कि लॉ है, बस लॉ से काम चलाना है क्योंकि उसके बेसिस पे है। लेकिन यूके के अंदर क्या है, एक लॉ ह्यूमन राइट्स के लिए अलग, एक आईपीसी के लिए अलग कर दिया, एक पार्लियामेंट के लिए अलग कर दिया। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है, एक ही लॉ है, उस लॉ के तर्ज पे अलग अलग नियम बताए गए हैं कि ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा। अब जरा एक वर्ड यहाँ पे है जो मैंने बताया, और कोई क्वेश्चन पूछे व्हाई कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम, तो जो मैंने बोला था व्हाई लॉ इज ग्रेटर देन द पीपल, उसी पॉइंट को यहाँ पे आप चेप दीजिए, आपका दोनों क्वेश्चन में काम हो जाएगा। पहला पॉइंट जरा देखो, तो पढ़ के देखो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन को हमने क्यों सुप्रीम बनाया? पहला हमारा पास्ट, हमारा इतिहास, एक कांड है, गवर्नमेंट कौन से थे? ब्रिटिशर्स। एंड सर क्योंकि अंग्रेज ने हमें इतना सताया, और देखो ये नोट्स, देखो नोट्स, ये कोई छापा हुआ नहीं है प्रिंटिंग प्रेस में या टाइप नहीं है, ये सब देखो ठेठ भाषा में है, सताया कि सरकार पिछले वे चूज लॉ ग्रेटर देन पीपल। अगर ये नोट्स पढ़ने के बावजूद भी समझ में नहीं है किसी को, तो हम ही हाथ जोड़ लेंगे, मेरे पास समझ में आ रही है, उसके बाद उसका क्या होगा भगवान मालिक है। दूसरा देखो, इनवॉलेंट्री फेडरलिज्म, दिख रहा है क्या? इसको बोलते हैं
अनिच्छुक संघवाद, क्योंकि सारे राज्य स्टेट्स ऑफ इंडिया अपने मर्जी से नहीं जुड़े थे, उनको जबरदस्ती अलग अलग ताम झाम करके लाया गया था। तो सर इसलिए हमने क्या किया, लॉ को ग्रेटर देन द पीपल चूज किया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? वाकई आपको समझ में आ रहा है कि मैं सिर्फ बोले जा रहा हूं। अब उसके बाद पॉइंट नंबर थर्ड, डाइवर्सिटी। दुनिया में इंडिया को छोड़कर कोई ऐसा कंट्री नहीं जो इतना डाइवर्स हो। समझ में आ रहा है? राज्य के अंदर धर्म, धर्म के अंदर जाति, जाति के अंदर जाति, जाति के अंदर जाति, इतनी जाति, इतना भेदभाव, इतना ज्यादा मतलब है कि किसी एक को अगर हम पावरफुल बनाते तो पूरा का पूरा विरोध हो जाता। यस और नो? एंड अब नेक्स्ट पॉइंट, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। सीधा देखो, मेल का लिटरेसी उस समय था मात्र 16% एंड फीमेल वाज अप्रोक्स 9%। और ये तो गवर्नमेंट डेटा है जो कि थोड़ा सा बढ़ाकर ही बताए जाते हैं। तो पूरे देश का जनता ही, जब आप समझ पा रहे हैं, तो उस समय हम कैसे फिर पीपल को पावर दे सकते थे? वी कांट। एंड इसलिए हम बहुत लकी हैं कि संविधान मेकर्स हमारे कुछ ऐसे मिले जिन्होंने इस तरीके का बनाया, इतना सोचा। भीमराव अंबेडकर टाइप इतना पढ़े थे, राजेंद्र प्रसाद लोग इतना पढ़े थे, जिनके बारे में कहानियां बहुत प्रसिद्ध है कि दोनों हाथ से लिखने का। उसके बाद राजेंद्र प्रसाद के रियल स्टोरी है कि वो गए तो उनका टाइम दोस्तों ने बढ़ा दिया था, तो कम टाइम में दोनों हाथ से लिखा। और उसके बावजूद एग्जामिनर जो चेक करने वाला था उसने बोला कि एग्जामिनर इज ग्रेटर देन द एग्जामिनी। मतलब उसने जो चेक करा वो लिखा कि मेरे से बेहतर वो एग्जामिनर है, और कॉपी आज भी रखा हुआ म्यूजियम में। दैट्स अ ट्रू स्टोरी। तो लॉजिक क्या है, हमारे वैसे लोग मिले। और आज के समय में मोबाइल से पूछते हैं मेरे किताब कहां से पढ़ेंगे, आप समझ पा रहे हैं? सच यही है, मोबाइल जितना अभी दूर बच गए उतना फायदे में रहोगे। मोबाइल आप एहसास करके देखो आपका ले रहा है पूरा, मेरी बात समझ में आ रही है? और इतना टाइम खपा रहा है कि आपको पता ही नहीं चल रहा है कि आपका क्या होगा क्या नहीं होगा। क्लियर है सर? ये चारों पॉइंट क्लियर है? मैं एक बात बोलूंगा, ये चारों पॉइंट एक बार अपने शब्दों में पहले लिख लो, क्योंकि इसके बाद ये मैं पूरा रिपीट करते रहूंगा अंतिम में। तो एक ऊपर हेडिंग डालो, व्हाई कॉन्स्टिट्यूशन इज ग्रेटर देन पीपल, क्वेश्चन लिख लो, और जो जो मैं बोल रहा हूँ उसको छाप लेना। अगर मान लो मैं पढ़ाते जाऊं, ये पीडीएफ आपको वापस भेज दूं, तो आप क्या पूरा लिख लोगे उसमें से? छांट के तो लिख लोगे ना घर पे? अगर अभी के लिए लिख लो, अभी तो लिखना ही है, लेकिन मैं भेज दूंगा उसके बाद से, नेक्स्ट बार से, क्योंकि ये बेसिक्स में थोड़ा सा हाथ चला लो आप। और जिसका जिस दिन पढ़ाया उस दिन कंप्लीट नहीं हुआ तो एक दिन और टाइम दूंगा, समझ आ रहा है? और एक दिन के बाद दोबारा टाइम नहीं दूंगा, ठीक है आदित्य? एक दिन के बाद दोबारा टाइम नहीं मिलेगा, ये ध्यान से समझ लीजिएगा। और मैं जितने आसानी से और जितने प्यार से आप लोगों को पढ़ा देता हूँ तो उसमें ठीक है, मतलब वैसे मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा, वैसे मैं कर भी रहा हूँ, लेकिन फिर भी ध्यान से समझना कि कर लेना। हल्के में लोगे तो आप हल्के हो जाओगे। मैं ऐसा ही पढ़ाता हूँ, ऐसे ही हूँ, मजे मजे में पढ़ा दूंगा, और इतना आसान सिलेबस लगेगा कि आपको समझ ही नहीं आएगा कि इतना आसान कैसे हो गया। हो गया? आप अंदाजा लगा सकते हो क्या टाइम हुआ होगा? हाँ, तो मतलब अंदाजा आप लगा रहे हो, लेकिन सर इंटरेस्टिंग बात यह है कि जितना जल्दी ये गया है, इतना जल्दी मैप में इतना जल्दी टाइम नहीं बीत रहा था, और इसमें भी थोड़ा टाइम क्विक बीता, अगर आपको ऐसा रियलाइज हुआ होगा तो, अन्यथा नहीं। जब चीजें कॉन्सेप्चुअल होता है ना तो उसमें मजा आता है पढ़ाने में, जब चीजें होना राजा का एग्जैक्टली मैं बोल रहा हूँ। और नहीं तो जो चीज होता है ना वही वाला है। आप लोग, मैं ये नहीं बोल रहा, बट आप लोग जो भी पॉलिटिक्स पढ़े होंगे अब तक, मैं आपको डैम श्योर बोल रहा हूँ, अभी जितना मैं अभी पढ़ाया हूं अभी, उसमें से कोई चीज आप थोड़ा बहुत सुनने का अलग है, नहीं जानते हैं डिटेल, यकीन मान लीजिए। और ये अभी बेसिक्स है, बाकी तो वो विधायक सुने हैं, एमपी सुने हैं, ओ भाई सब सुने रहते हैं, उसमें कोई बहुत बड़ा पंगा नहीं। क्लियर है? हो गया? तो ये 1950 की स्टोरी है। अब ये सब डेटा कब इस्तेमाल करते हैं? 1950 में 16% पुरुष लोग, महिलाएं 9%। तो 1950 से लेकर अभी तक जब आप मेंस में बोलेंगे, इंटरव्यू में बोलेंगे, तो आपके पास एक डेटा रहेगा। ऐसे ही हवा में नहीं बोल रहे हैं, कुछ लोग हवा में खाली बात करते हैं, नहीं होता। जैसे क्वेश्चन पूछा कि हाँ बताइए कैसे ग्रोथ होगा, तो सर हो जाएगा, दुनिया में सब अच्छा ही होता है। समझ पा रहे? ये जो है ना, ये बात, ये क्या फालतू बात हुआ? तो इसीलिए आपको जो डेटा दूंगा ना पॉलिटी में, वो डेटा लिखना पड़ेगा, वो डेटा आप एग्जाम में दोगे तभी आपका काम होगा, नहीं तो भैया फिलोसफिकल सब लिखेंगे,
जैसे मेरे को जब कभी आंसर्स नहीं आता था टेंथ में, मेरे को एसएसटी में हमेशा हाईएस्ट नंबर है, मेरे यकीन मानो कि हमने बोले एसएसटी में मेरा, मेरे टीचर भी सब सुनते हैं जानते हैं, एसएसटी में मेरा सबसे मिनिमम नंबर है 99, मुझे कभी भी 100 में 100 ही एसएसटी में मिला है, 99 एक बार मिला तो मैं बहुत रोया था, क्लास मतलब 9 की बात कर रहा हूं मैं, बहुत ज्यादा। ध्यान से समझने वाली बात क्या है, एसएसटी बहुत इंटरेस्टिंग है अगर उसको बताया जाए बढ़िया से तो, नहीं तो कुछ खड़ूस टीचर ऐसे मिल जाते हैं जो आपके सामने खड़े हो जाते हैं और दिमाग की ऐसी के तैसी करके चले जाते हैं, क्या सुन पा रहे हो। तो उसमें कभी कभी एक दो जगह पे मैं गलती करता था, जब कुछ समझ में नहीं आया तो लिखिएगा दिस लॉ इज वेरी गुड, आप समझना है, जैसे आपको अगर एक दो पॉइंट याद नहीं आ रहा है उसको लिखिएगा वी मस्ट अवेयर द पीपल, जैसे कंजर्वेशन से रिलेटेड जब भी कोई पॉइंट आता था तो मैं, जब मुझे याद नहीं आता तो मैं एक पॉइंट लिखता था हमेशा, और आप ये कर सकते हैं, सुरक्षित पॉइंट है क्या, ग्रो मोर एंड मोर ट्री, खूब सारे पेड़ लगाएं, कोई भी चीज पूछे, चाहे पॉल्यूशन पूछे, चाहे कुछ भी पूछे, चाहे पॉपुलेशन पूछे, चाहे कुछ, ये देखो ना आप पॉइंट गलत कर भी नहीं सकते, आप ग्रो मोर एंड मोर ट्री आप कैसे गलत कर सकते हो। उसके बाद दूसरा, मैक्सिमाइज द अवेयरनेस ऑफ द पीपल, लोगों को खूब जागरूक बनाए और उनको बोले कि वो और पेड़ लगाए, आप समझ रहे हो, ये सब पॉइंट है सेफ जोन में है, लेकिन अब हर क्वेश्चन भी खाली ऐसा ही पॉइंट लिख दोगे तो ये तो भैया फिर उसके बाद पड़ेगा, आप समझ पा रहे। हाँ तो दो पॉइंट याद नहीं आ रहा है, पांच पॉइंट लिखना है एसएसटी में, दो पॉइंट आया दो पॉइंट नहीं तो उसमें कर दीजिएगा, जरा देखिए हो गया यहां तक। अब आइए इसको आप यूज कर लेंगे हर जगह पे, इसलिए हमने क्या लिखा उस समय, डोंट ट्रस्ट द पीपल, दैट्स व्हाई ये ग्रेटर हो गया, कोई भी कांड बैरिंग। इसमें एक दो पॉइंट और है, देखना सुप्रीम कोर्ट है उस लॉ को प्रोटेक्ट करने के लिए, भाई यही तो होना चाहिए ना कि लॉ हमने बना दिया, पावरफुल भी दे दिया, लेकिन कोई आदमी लॉ का उल्लंघन कर रहा है तो उस लॉ को लाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए भी तो कोई बंदा हो, तो हमने क्या बनाया सुप्रीम कोर्ट को, कि उस लॉ को इंप्लीमेंट किया जाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है। अरे है ना, नीचे आओ, सो व्हाई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाई पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, व्हाई इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी, इन सभी क्वेश्चन का जवाब यही चार पॉइंट हो जाएगा जो मेंस में आप लिखेंगे, तो यूपीएससी क्वेश्चंस घुमाएगा खाली, बट आपको चारों पॉइंट दिमाग में रट लेने हैं, चाहे वो पूछे कि कॉन्स्टिट्यूशन क्यों रिटेन रहा, उसके पीछे भी ये कारण, दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी क्यों रहा, उसका भी ये सब शब्द आगे आएगा, उसके बाद जुडिशियरी को क्यों इंडिपेंडेंट किए, कि भाई लॉ को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई ऐसा आदमी तो होना चाहिए जिसका उससे वास्ता ना हो, पंचायती वही करने आया आदमी आ गया जिसका गांव कटा दिया है, आप समझ पा रहे हैं, तो फिर तो हो गया मामला, हो गया वो अलग बात है कि वो अच्छा हो भी सकता है, बट प्रोबेबिलिटी तो ये है कि ज्यादा वो अपना ही पक्ष ले। अरे यार सुनो सर, ये सारा पॉइंट मेंस में चेप दीजिएगा, काम आसान हो जाएगा, थोड़ा सा और पढ़ लें उसके बाद अगले देते हैं, अगर बोर्ड नहीं हो रहा तो थोड़ा सा खींच लेते हैं, तो ये पेज जो है जो भी है जैसे है थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं, तो अब तक जो पढ़े हैं उतना मैं सिर्फ छाप कर देता हूं ढाई से, पहला 9 थीम डन, बेसिक्स के अंदर हमने पहला थीम में स्टार्ट किया पॉलिटी, पॉलिटिकल साइंस एंड गवर्नेंस, क्लियर, ऑरिजिन ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ, अब जब मैं सिर्फ शब्द का नाम बोलूं आपके दिमाग में पिक्चर बन जाना चाहिए, तो इंडिया रूल ऑफ लॉ है, रूल ऑफ मैन है, रूल ऑफ लॉ है, रूल ऑफ लॉ क्यों ग्रेटर है उसका भी पॉइंट सेम, व्हाई, उसके बाद तीन शब्द कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म आइडिया, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ लॉ, एंड द थर्ड वन इज कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम, उसके बाद फिर आएंगे नीचे, तो नीचे आएंगे तो दो चीज में समझा हमने क्या कि सर कोई भी सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन क्यों है, चार पॉइंट्स आवर पास्ट, दूसरा इनवॉलंटरी फेडरलिज्म, द थर्ड वन इज डाइवर्सिटी, एंड द फोर्थ वन इज सोशल इकोनॉमिक स्टेटस, मेल 16 फीमेल 9%, क्लियर यहां तक, हाँ है ना, यस। नाउ हम लोग अब चलते हैं फेडरलिज्म पे और जीवन का आनंद लेते हैं, क्लियर यहां तक, फेडरलिज्म ठीक है, मैं अच्छा पढ़ा रहा हूं इसलिए प्यास लग रहा है बुरा नहीं, चलो इट्स लाइटर, नेक्स्ट आते हैं उसके बाद, आप लोग चिंता मत करना, मेरे मन में बहुत सारे भड़ास रहते हैं तो भाई मैं यही तो बोल के जाऊंगा और कहां बोल के जाऊंगा, आप ही से पढ़ना है, आप ही से पढ़ाना है, बात खत्म है, मेरा कोई बहुत बड़ा सर्कल नहीं है, मतलब फ्रेंड जोन नहीं है ऐसा, और मैं ज्यादा लोगों को एडमायर भी नहीं करता हूँ ना किसी से जल्दी प्रभावित होता हूँ, तो इसलिए मैं ज्यादा बोलता भी नहीं हूँ, पढ़ाने से मैं बहुत ज्यादा काम करता हूँ, दोबारा उसके बाद कांड होता नहीं है, तो जो चीज आएगा यहीं पे आएगा, मेरी बात समझ में आ रही है, तो आपको सुख दुख गाली सब सुनना पड़ेगा, साथ साथ कंटेंट का मजा अलग आएगा, क्लियर यहां तक, आया ना, जस्ट बोल, चलो नेक्स्ट, एक टॉपिक चूंकि लंबा है थोड़ा सा एनर्जी मुझे चाहिए होगा, अलर्ट रहना, तो मैं थोड़ी देर के लिए आपकी जो है गर्मी बढ़ा रहा हूं और उसके बाद फिर इसको काम करेंगे। देखो ये शब्द मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये शब्द घूम फिर कर आपके इर्द गिर्द रहेगा और यहां से क्वेश्चन खूब आते हैं, तो एक है शब्द है फेडरलिज्म, हिंदी में संघवाद, ध्यान से समझना,
एक लाइन में समझना, एक एक लाइन क्या है। एनी कंट्री हैविंग सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड इट डज नॉट मैटर विच इज मोर पावरफुल और लेस पावरफुल। फेडरलिज्म शब्द है संघवाद। कोई भी ऐसा देश जहां पे एक सेंटर हो एक स्टेट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो, कौन सा गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट भी हो, उसको सिर्फ बोलेंगे फेडरलिज्म। ध्यान से बस अभी रुकना, लेट मी फिनिश, तब उसके बाद मजा और आएगा। दूसरा पॉइंट, फेडरलिज्म इज ए आइडिया। मैंने क्या बोला, इज्म, तो एक आइडिया टू हैव द टू लेयर्स, मल्टीपल लेयर्स ऑफ गवर्नमेंट। तो फेडरल गवर्नमेंट क्या है, जब भी कभी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट या उससे ज्यादा भी गवर्नमेंट एग्जिस्ट करता हो, जो कि बहुत कम है, सिंगापुर में है और भी जगह पे कम है, ध्यान से समझना। मतलब जहां पे सिर्फ एक ही गवर्नमेंट हो, ध्यान से समझना, दैट इज वन, वो डिफरेंट है। जहां पे सेंटर भी है, जहां पे स्टेट भी है, और दोनों में से कौन पावरफुल उससे मतलब नहीं है हमें, बट दोनों गवर्नमेंट एग्जिस्ट करता हो, उसको क्या बोलेंगे, फेडरलिज्म, फेडरल गवर्नमेंट। पहले क्लियर यहां तक, दो होना चाहिए, उससे ज्यादा हो चलेगा, उससे कम नहीं होना चाहिए। मेरे पास समझ में आ रही है? तो क्या हम इंडिया में बोल सकते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट है? अरे भैया ये क्या बात हुई, तो छिछोरे वाला मूवी का डायलॉग याद आ गया मुझे, मेरे बात आप समझ रहे हो। छिछोरे में बोलता है, सुन लो थोड़ा सा, आप लोग अलर्ट रहना, मन नहीं कह रहे, तो बोलता है कि क्या हम चैंपियन बन सकते हैं, तो सब चिल्लाता है यस। उस पर बोल सकता है फिर दोबारा, क्या हम मेहनत करेंगे, सब हो जाता है चुप। जब मेहनत नहीं करेंगे यार आपको, तो चैंपियन कैसे बनेंगे, आप समझ में आ रहे हो मेरी बात। तो लॉजिक क्या है, ध्यान से देखो, ईमानदारी से बोलना, अगर ज्यादा हो रहा हो तो कल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट जब हो तो इन्वॉल्व रहो, मतलब ऐसे मत किया करो, मजा नहीं है, मेरे को भी मजा नहीं है, फिर मैं बंद कर दूंगा। तो जब हो तो इन्वॉल्व होकर पढ़ लो, और उसके बाद जब नहीं तो नहीं। तो पहला है फेडरल गवर्नमेंट में क्या मैंने बोला कि सर सिंपल मीनिंग है कितने गवर्नमेंट, दो या दो से ज्यादा, तो सेंट्रल और स्टेट होने ही चाहिए, कौन कितना पावरफुल हो बात की बात देखेंगे, क्लियर है। तो क्या इंडिया सेंट्रल सॉरी फेडरल गवर्नमेंट है, यस। इंडिया में केंद्र सरकार भी है, राज्य सरकार भी है, हर राज्य का अलग अलग सरकार, यस और नो। अब सर इन दोनों सिनेरियो में इसके अलग अलग बेसिस हैं जो इसमें कांड किया गया है। सबसे पहला इधर लॉ को दो तरीके से डिवाइड किया गया, प्लीज समझना। एक है टारगेट कि किसके लिए कर रहे हैं भाई, अगर कानून बनाएंगे तो लोगों के लिए बनाएंगे बनाएंगे, लेकिन सरकार के लिए भी तो बनाएंगे कि सरकार हद में रहे, यस और नो। नहीं तो मोदी जी सुबह उठे बोलेंगे दाढ़ी काट के पीछे आएगा, दो सबका अपना नहीं, मेरी बात समझ में आ रही है। उस पर यही बोल सकते हैं कि जिसके जिसके पास दाढ़ी है सबको फांसी का सजा दे दो। सर पॉइंट क्या है, अगर टारगेट है तो गवर्नमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अरे सबसे। दूसरा फॉर सिटीजन के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर ही तो सभा सारा का सारा है, आईपीसी है, आपने ऑर्डर कर दिया, आप गाड़ी चल रहे थे किसी को ठोक दी, गाली दे दी आप, उस पर गाड़ी आप अपना ही मार दिए, तो फिर बोल रहे हमरा में लग गए, हमारे बर्नेट के पैसा दो, आईपीसी, कंज्यूमर लॉ, कंपनी एक्ट, ये सब सिटीजन के लिए भी है, गवर्नमेंट के लिए भी है, लेकिन स्पेसिफिक अगर गवर्नमेंट को कोई अगर रोल निभाता है उसको औकात में रखने में, तो कौन है उसमें, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये टारगेट है लॉ, टारगेटेड लॉ। दूसरा लॉ और कौन सा बेसिस हो सकता है कि भैया असर क्या क्या पड़ेगा, इंपैक्ट। तो पहला इंपैक्ट है सिविल लॉ, अरे है ना, तो सिविल लॉ में आपको पता है, और सिविल लॉ में अगर हम बात करें, दूसरा है क्रिमिनल लॉ। तो सिविल लॉ में आपको पता है कि सर सीधी सी बात है, कौन कौन सा चीज, सिविल लॉ में आप जैसे कंपनसेशन मिलता है, यहां पे लिखा है इसमें यू कांट गो टू जेल। अब मान लो आप आरटीआई डालने गए सिविल कोर्ट में, कोर्ट भी होता है ना, सिविल कोर्ट होता है, क्रिमिनल कोर्ट होता है, अब कोर्ट सिविल कोर्ट वाला बोले इसको फांसी की सजा दे दो, ध्यान से समझना। तो सिविल कोर्ट कभी भी फांसी की सजा नहीं दे सकता है, मेरे पास है हम लोग भाई, हर किसी का अपना एक ज्यूरिसडिक्शन है, अपना एक एरिया है, अपना एक दायरा है। अब आप गए उसके पास बोले इसको फांसी दे दो, तो सर लॉजिक क्या है, ऐसा एक कोर्ट ने कर भी दिया था सिविल कोर्ट ने, ऊपर से सुप्रीम कोर्ट ने दो बार मारा और कहा हरामखोर सोकोज नोटिस दे के तू अपने अवकाश से बाहर जाकर डिसीजन कैसे दे दिया, क्या मेरी बात समझ में आ रही भाई, आप डिसीजन दे सकते हो। जैसे एक खाकी वर्दी वाला होता है, एक होता है व्हाइट वर्दी पुलिस वाला ट्रैफिक, आपको इसके बारे में पता नहीं है, दोनों डिफरेंट होते हैं। खाकी वर्दी के पास परमिशन नहीं है कि वो आपसे आपका पॉल्यूशन, वो आपसे ड्राइविंग लाइसेंस मांग सकता है और वो आपसे गाड़ी के पेपर्स मांग सकता है, इसके अलावा और कुछ नहीं बोल सकता है वो। लेकिन जो व्हाइट वर्दी है उसके पास ये अधिकार है कि वो आपसे सब कुछ मांग सकता है ए टू जेड, मेरे पास समझ में आ रही है, उसका दायरा है। और आपसे खाकी वाला मांग रहा है पॉल्यूशन दिखाओ पेपर गाड़ी का, आप उस समय बोल सकते हो नहीं दिखाएंगे जो करना कर ले, मेरे पास सुनो, लेकिन देखना उसको पिछले कहीं मारे ना, बट पॉइंट क्या है उसके औकात क्षेत्र में वो नहीं है, बट हाँ आम आदमी को पता ही नहीं है,
आम आदमी को बिहार में तो पुलिस इज पुलिस, दे डोंट नो, मेरे पास समझ में आ रही है, उनको पता नहीं है, तो वो चाहे अगर कोई नॉलेजेबल आदमी तो घुमा देगा उसको, बट यहाँ उतना, यहाँ तो पहले मुंह में पैसा पकड़ा देते, ले पैसा 100 रुपए दिया छूट गया, अब तो मामला थोड़ा सा अलग हुआ, नहीं तो पहले पुलिस को दे देते 10 रुपए में भाई भूजा के लिए, सामने पुलिस वाला ऑटो वाले से 10 रुपए लेके आगे निकल जाता है। ये तो परसेप्शन है जो कि अब थोड़ा सा चेंज हो रहा है, इधर से आंसर मांगना। तो लॉजिक क्या है सर, यहाँ पे आपका हक वापस मिल जाएगा, यहाँ पे आपको जो है मुआवजा या फिर जो है ये सब कुछ, जैसे मान लो आप बिहार, बिहार गवर्नमेंट का बस चलता है, पता है कि नहीं आपको, बिहार सरकार का बस चलता है, ठीक है, उनका नियम होता है, एक टाइम होता है और बड़ा टाइम टेबल पे चल रहा है, सुने भी है देखे भी है। लॉजिक क्या है, आप चढ़े, आपको कॉन्ट्रैक्टर ने उतार दिया, बोला क्या है, बोला कि नहीं तेरा सकल पसंद नहीं है। अब ध्यान समझो, मान लो अगर उतार दिया तो अब आप क्या करोगे, पॉइंट नंबर एक, कॉन्ट्रैक्टर को मारोगे तो कॉन्ट्रैक्टर ड्राइवर दूर मिल के आपको मारेगा, ध्यान से समझना, फिर आपकी हो जाएगी कुटाई। मतलब आपके पास लॉज क्या है, व्हाट इज द लीगल अथॉरिटी, तो सर चूंकि वो बस गवर्नमेंट का है तो आप जो केस करोगे वो केस ड्राइवर पे या कॉन्ट्रैक्टर पे नहीं होगा, दैट विल बी केस अगेंस्ट द गवर्नमेंट, वो सरकार पे है, और सरकार पे जब है तो सरकार जो है वो लड़ेगा और सरकार अपना वकील रखवा कर वो काम करेगा। तो सरकार जो है आपको चूंकि बस पे चढ़ने नहीं दिया था इस कॉन्ट्रैक्टर ने, तो सरकार उस कॉन्ट्रैक्टर के साथ क्या करेगी नहीं करेगी वो सरकार का फैसला है, क्या मेरे पास समझ में आ रही है। और इसलिए जितना भी केस होता है उसमें लिखता है फाइनली मेनका गांधी वर्सेज स्टेट ऑफ केरला, फिर उसके बाद लिखेगा केशवानंद भारती वर्सेज स्टेट ऑफ केरला, फिर ये मतलब गवर्नमेंट से हम मुआवजा मांगते हैं। अगर आपके शहर में मर्डर किसी का हुआ है तो केस उसके लिए जिम्मेदार गवर्नमेंट है कि गवर्नमेंट के अंदर रहते हुए भी मर्डर कैसे हो गया, तो केस गवर्नमेंट से लड़ा जाता है ना कि उस आदमी से, मेरे बात समझ में आ रही, ना कि उस पुलिस वाले से, क्लियर यहां तक। तो लॉजिक क्या है, उस केस में कभी भी उसको आप मान लो जिस आदमी को उतारा वो बोला कि नहीं हमको एक बस पर जाने नहीं दिया, हमारा होटल बुक था हिमाचल में, वहां उसका मुआवजा दीजिए और ये हो, तो 2 घंटा आप मारेगा वो, ध्यान से समझना। गवर्नमेंट सिर्फ आपको आपका हक दिलाएगी, वो मुआवजा नहीं देगी, वो मैं जब पढ़ाऊंगा आपको PIL, फिर वहां बताऊंगा PIL में क्या। अब कुछ लोग PIL फाइल कर देते हैं बहुत, मेरे पास समझ में आ रही है, वो बोले मैं वहां जाता मेरा होटल का वहां खर्चा बर्बाद हो गया, वो फलना ठिकाना, तो बने बोले तुम्हारा हक दिला, हक क्या था, बस में चढ़ना, तो इज्जत के साथ बस में चढ़ाया जाएगा उसको, क्यों, क्योंकि उसके फंडामेंटल राइट्स वहां से आहत हुए थे, क्लियर यहां तक। तो सर इधर देखना, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट होता है, कंज्यूमर लॉ होता है, जैसे डिवोर्स होगा तो डिवोर्स में क्या होता है, दोनों चीज होता है, एक डिवोर्स सिविल केस है, लेकिन मान लो अब बहुत ज्यादा उसे मार रही है, पत्नी झोटा उठा के पति का दवा दम दिए जा रही है या पति पीछे जा रहा है, तो एक क्रिमिनल केस ही तो है, तो डिवोर्स इज द ओनली केस जो दोनों केस में चलेगा, एक तरफ डिवोर्स सिविल में चलेगा फिर निकल के जाएगा क्रिमिनल लगेगा कि हमारा मुंह भमोर लिए या हमारा आंख काट दिए या फिर जो भी है, मेरा समझना। तो लॉजिक क्या है, डिवोर्स इज द केस जहां पे अगर आप सिर्फ डिवोर्स चाहते हैं देन आपको सर्टिफिकेट जो है सिविल लॉ में करना पड़ेगा, बट देर इज अ डोमेस्टिक वायलेंस देन आपको जेल और IPC सेक्शन 498 और भी चीजों को केस के करना होगा। मैं क्यों बता रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं कि असर क्या होगा कानून जब बनाते हैं उसके बाद। दूसरा, कानून में क्रिमिनल लॉ तो जेल फाइन या दोनों हो जाएगा, इसमें बहुत सारा IPC पॉक्सो ये बताऊंगा, चिंता मत करना, UAPA क्या है ये सारा एक्टिविटी सब कुछ बताऊंगा, अभी एग्जांपल बस समझना, इसमें भी मत चिंता लेना कि UAPA तो बताया नहीं। अब आते हैं मेन काम पे जो कि आज के लिए अंतिम होगा, वो है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी में पहला लॉ है जनरल लॉ, दिख पा रहे हैं आपको, दूसरा है स्पेसिफिक लॉ और तीसरा है बाई लॉ या डेलीगेटेड लॉ, ये क्वेश्चन पूछेगा। जनरल लॉ क्या है, सभी के लिए, आईपीसी की धारा इसका है, जो भी किया उसको मिल जाएगा। दूसरा कुछ स्पेसिफिक लॉ होता है, जैसे निर्भया जो रेप कांड हुआ उसके लिए केस अलग बना देगा, निर्भया फंड अलग, निर्भया रेप केस के बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्या हुआ, ध्यान समझना, नियम ये कहता है कि क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ, प्लीज समझना, सिविल लॉ बैक डेट में लागू होता है, जैसे मान लो आपने क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं चुकाया 2014 से, मेरे बात समझ में आ रही है, और 2023 में वो नियम आया तब भी आपको 2014 से चुकाना पड़ेगा, नियम नहीं था लेकिन आपको चुकाना पड़ेगा, तो सिविल लॉ कैन बी अप्लाइड बाय द बैक डेट बट क्रिमिनल लॉ कांट बी अप्लाइड बाय द बैक डेट। हमारा इस वजह से वो लड़का बच गया जो नाबालिग था, बिकॉज उस समय ऐसा नहीं था कि जस्टिस जुबेनाइल जो 18 साल से कम का है उसको सजा मिल ही नहीं सकता था, लेकिन रेप में वो भी शामिल था, और इस वजह से उस दिन नियम लगाया गया कि इसके बाद से जब भी कभी होगा तो ये हराम खोर और जो कम जो कांड होगा वो काम करने वाला किसी भी एज का हो, है तो पापी ही है, तो हराम खोर और है तो दरिंदगी ही, तो उसका कोई एज नहीं होता, तो उस दिन से नियम बना दिया गया कि किसी भी एज का हो अगर उसने रेप में शामिल है तो उसको वही सजा मिलेगा जो हर किसी को मिलता है, चाहे 18 प्लस हो चाहे हो, लेकिन वो किस दिन बनाया गया, उस कांड के बाद, तो वो अप्लाई उसके दिन से ही होगा, पीछे बैक डेट पे लागू नहीं हुआ, क्या मेरा बात समझ पा रहे हो।
वो अलग बात है कि फिर उस लड़के को अलग तरीके से मारा गया, उसका इंतजार किया गया टू बी एन 18+ जो कुछ मूवी में दिखाया गया मर्दानी है कुछ वैसे मूवीज में। मेरे पास में लॉजिक क्या है, सिविल लॉ कैन बी अप्लाइड एट द बैक डेट बट क्रिमिनल लॉ कांट बी अप्लाइड ऑन द बैक डेट जब वो कांड हुआ तो। क्या मेरे पॉइंट समझ पा रहे हो? यस और नो? तो सर ये जो चीज है क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ दोनों का अलग अलग है, बट उसके जस्ट बाद एक और लॉ है बाय लॉज या डेलीगेटेड लॉज। देखो इधर बाय लॉज मतलब वही है कि एक हमने लॉ बना लिया और उस लॉ के बेसिस पे हमने कुछ और बना दिया। डेलीगेटेड मतलब होता है उस पे, उसी के बेसिस पे। जैसे मैंने बोला एक काम कर तू पैसा ले सेव ले लो, आप सेव लेने गए और बोले कि सेव के साथ एक और काम कर दो एक स्लाइस और डाल दो, तो मतलब उसको बेसिस मान के किया। जैसे इधर देखो क्या आपको पता है कि स्कूल में नियम है हर साल किताब आता है फ्री में वो देना होता है, मेरे पास समझ में आ रही है। अब अगर हर साल आता है उसमें लॉ भी है कि ये होंगे, अब सोचो हर बार बच्चों की संख्या तो घटेगी या बढ़ेगी, स्कूल में यही होता रहता है ऊपर नीचे हाया ना, सरकारी स्कूल की बात कर रहा हूं, तो संख्या बढ़ेगा या घटेगा तो कुछ बेंच को भी बढ़ाना घटाना पड़ेगा। अब अगर हर साल प्रिंसिपल और टीचर मिलके ये पास कराने में लग गए कि हमको भाई जल्दी से पास कराओ ताकि बेंच की संख्या बढ़ाए, तो हो गया पढ़ाई तब तो सरकार क्या थी एक नियम बनाई और नियम बना के बोले कि इस नियम के तहत हम खुद ये डालते हैं कि अगर आपको कुछ बेंच या बच्चों को ऊपर नीचे करना हो तो आप कर लीजिएगा, ये पावर हम आपको खुद देते हैं, दैट इज कॉल्ड डेलीगेटेड लॉज। कुछ पॉइंट समझ में आया भाई? अब हर बार अगर थोड़ी ना प्रिंसिपल जाएगा और टीचर जाएगा कि बेंच भेज दीजिए और उसके लिए हम नियम पहले बनवाएंगे, तो सर इसलिए पावर दे दिया गया टीचर को कि ठीक है जब 30 बच्चे से 50 बच्चे हो जाए तो आप अपने फंड में से आप पैसा खुद ले लीजिएगा, हमसे आपको पूछने की जरूरत नहीं है। क्या क्लियर है ये? दैट इज कॉल्ड बाय लॉज या डेलीगेटेड लॉज, किसी पर निर्भर बट उसमें उसको इंक्लूड कर दिया। यहां तक क्लियर है? So three laws, that is civil law, criminal law, and इसके बाद क्या है? Bylaws. तो उस law से संबंधित, जैसे Article 21A, ये आपको डिटेल में पता पढ़ाया जाएगा, इसमें क्या है? 6 से 14 साल के बच्चों को बनाया गया कि स्कूल में आना ही पड़ेगा। ये पढ़ाऊंगा, बड़ी मजेदार चीज है। कंपल्सरी है 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एजुकेशन देना, लेकिन आगे चल के आपको बताया पता चलेगा कि सर एक्चुअली ये लॉ है लेकिन इसका है ही नहीं कुछ, क्योंकि गार्जियन अगर अलाउ नहीं करे तो बच्चा जा ही नहीं पाएगा। समझ आया मेरी बात? बट बताऊंगा आगे क्यों, उसके पीछे भी बहुत बहुत है मजेदार केसेस है। अब सब देखो ना, मान लो 6 से 14 साल का बच्चा, उसके बाप ने बोला चल गेहूं काटना है, ठीक है, तो क्या वो बच्चा जाएगा? नो। तो फिर ये नियम जो बनाया हमने कि 6 से 14 साल के बच्चे को फ्री एजुकेशन मिलेगा, तो मिल किस हो रहा है? क्या मेरा पॉइंट समझ पा रहे हो? तो पॉइंट ये है ना कि चाहे कुछ भी हो, अब लड़की है फॉर एग्जाम्पल, सिस्टर है, बेटी है, किसी की भी, अगर वो जा रही है और जाने के बाद बाप बोला नहीं, जैसे क्या किया कल कोलकाता में, क्या नियम है कोलकाता में, नियम है कि अगर आप आओगे अटेंडेंस, आप जिस दिन आओगे उसको 5,000 रुपया मिलेगा। तो पहले बच्चों क्या करता था, गार्जियन से पता है आराम से 15 दिन 1 महीना भेजता था उसको, घर बैठा लेता था पैसा जब मिल जाता था। तो फिर बोला गया अब पैसा कब मिलेगा, जब साल भर जिसका अटेंडेंस 70% से ऊपर रहेगा उसको पैसा दिया जाएगा। क्या मेरे बात समझ पा रहे हो? बस लास्ट आज के लिए समझना, तो ध्यान से प्लीज समझना, अगर बोलोगे तो मैं छोड़ दूंगा अगर ऊपर जा रहे हो। तो सर डेलीगेटेड लॉज और बाय लॉज में क्या है? तो सर उसमें बोला क्या गया, सिंपल कि 6 से 14 साल के बच्चों को आना है, लेकिन सच बात यह है कि बच्चा को स्कूल जाना है तो अपने पेरेंट्स को मनाना ही पड़ेगा, दूसरा और कुछ नहीं। अब पार्लियामेंट या सर मोदी जाके तो नहीं बोलेंगे ना, या फिर कोई और गवर्नर जाके नहीं बोलेंगे ना कि सर अब अपने बच्चों को स्कूल भेज रहे तो गोली मार देंगे, आप समझ पा रहे हो? नो वन विल गो। तो लॉजिक क्या है, आरटी जरूर राइट टू एजुकेशन का, शिक्षा का अधिकार आपका है, लेकिन पेरेंट्स अगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्कूल भेजते ही नहीं है उनका आप कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज यू डोंट हैव द राइट्स। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो स्पेशली और बेसिकली लॉ का कुछ नहीं है कांड, मैं बताऊंगा उसमें। तो गवर्नमेंट सिर्फ बना के रखी हो ठीक है, तो ये पूरा का पूरा पढ़ेंगे जब हम राइट्स आपको फंडामेंटल राइट्स पढ़ा रहे होंगे, और उसमें इंटरेस्टिंग चीज मिलेगा आपको, चिंता मत करो मजा आएगा। इधर देखो आरटी रूल्स, उसके बाद करिकुलम बनाना है, आप सब्जेक्ट पढ़ाना चाहते हैं बनाना, अब इसके लिए थोड़ी ना फिर जाकर लॉ पास कराना पड़ेगा। तो बाय लॉज क्या है, एक लॉ बनाया गया उस लॉ के तर्ज पे आप कुछ और ऊपर नीचे कर लो, दैट इज ऑल। टीचर स्टूडेंट का रेशियो बढ़ा दो, चलो बच्चे बढ़ गए तो टीचर भी बढ़ा दो, ये सब कुछ प्रिंसिपल पे डिपेंड करेगा और डिपार्टमेंट डिपेंड करेगा। क्लियर यहां तक? तो सर 3 लॉज आपको मैंने पढ़ा दिया, क्रिमिनल, सिविल, डेलीगेटेड। उसके बाद आओ अब एक पब्लिक पॉलिसी के लिए अंतिम है, ये देख लेंगे उसके बाद चलेंगे, बाकी कल पढ़ेंगे। एक उस लॉ दिख रहे हैं आपको, देखो ना, तो लॉ जो चेंज हो सकते हैं ध्यान से समझना, कैन बी चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन, जनरल लॉज, स्पेसिफिक लॉज। सर कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज हो सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज नहीं कर सकते, अमेंडमेंट कर सकते हैं। अरे भैया अमेंडमेंट करना मतलब ये थोड़ी होता है कि आप ये बोल दोगे कि ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल लागू नहीं होगा,
यू कांट से दैट। आप क्या कर सकते हो कि कॉन्स्टिट्यूशन में भैया लिखा गया था कि भैया ध्यान समझो कि भैया ऐसा लिखा गया था कि तीन लोग रहते हैं और तीन लोग रहते हैं तो तीन लोग को खाना मिलना चाहिए। अब तीन में से चार लोग हो गए तो हमने उसमें जाकर एक ऐड कर दिया कि चलो चार लोग को खाना मिल जाएगा। हम अब ये नहीं कहेंगे कि नहीं इसके बाद से तीन लोग रहेंगे तो खाना नहीं मिलेगा। लॉ इज लॉ, उसलिए तो सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ लॉ को हम ओमिट नहीं कर सकते हैं, वी कैन चेंज। हमने क्या किया, हमने हमने ये भी किया जो राइट टू एजुकेशन था उसमें भी ऐड किया कि टीचर स्टूडेंट के रेशियो है तो लॉजिक है। तो ध्यान से समझना स्पेसिफिक लॉ, स्पेसिफिक लॉ क्या होता है किसी पार्टिकुलर, देखो इधर पॉक्सो प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंसेस। तो पॉक्सो क्या है, पॉक्सो कहता है कि कोई भी जस्टिस जुवेनाइल है, कोई भी बच्चा है अगर वो 14 ईयर से 18 ईयर से कम है और उसने कोई क्राइम किया है, तो जब अगर क्राइम अगर किया है और 18 साल से कम है तो उसको स्पेशली वही सजा मिलेगा जो निर्भया केस के बाद हुआ जो 18 प्लस वाले को मिलेगा। और अब पॉक्सो के तहत बोला गया कि कोई 18 साल से कम का बच्चा और उसको प्रताड़ित किया जा रहा है अलग तरीके से तो उसके लिए अलग रूल लगेगा। दैट रूल बी नॉट सेम एज द जनरल लॉ। 18 साल से कम के बच्चे और बच्चों को कोई परेशान कर रहा है किसी भी तरीके से तो उसकी सजा बहुत दर्दनाक होगी। क्या मेरे पास समझ में आ रहा है? और दर्दनाक होगी तो कौन से एक्ट के तहत होगी, पॉक्सो एक्ट के तहत। ऐसा नहीं होगा उसको छोड़ दिया जाएगा। तो ये स्पेसिफिक लॉ है या फिर जनरल लॉ है, स्पेसिफिक लॉ। जनरल लॉ क्या है कि किसी आदमी ने मर्डर किया तो उसको वही फांसी की सजा मिलेगी, सबको ही मिलेगी। बट पॉक्सो में अलग सजा मिलता है एंड बहुत डिफरेंट सजा होता है। जैसे आप एससी एसटी एक्ट भी सुना होंगे कि किसी एससी एसटी एक्ट को आपने प्रताड़ित किया अगर, ध्यान से समझना, तो उसकी सजा बहुत डेंजरस होती है और बहुत क्विक रिएक्शन होता है। और बीच में इस पर बहुत ज्यादा विवाद भी हुआ था और बहुत लोग जानबूझ के करते भी थे, कर भी देते थे, बहुत सारा चीज भी कर देते थे। मेरा समझ में तो लॉजिक क्या है, स्पेसिफिक कुछ पर्टिकुलर कम्युनिटीज और इनसे चलता है। क्लियर यहां तक? जोर से बोलो ना। अब सर नीचे आ जाओ, ये जो डेलीगेट है ये आपको समझ में आ जाएगा। अब इधर आना, कुछ स्कीम्स ये मैं क्यों बता रहा हूं उसको समझना। स्कीम क्या होता है, गवर्नमेंट दो ही तरीके से कोई प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है, या तो लॉ बनाकर या फिर पॉलिसी देकर। जैसे मान लो ए उज्ज्वला योजना जिसके अंदर सबको सब्सिडी देना शुरू किया गया, गैस सिलेंडर देना शुरू किया गया, यस और नो? तो लॉजिक क्या है, इधर स्कीम में इसी के तहत भी जो दे सकते हैं सब्सिडी, अवेयरनेस, सर्विस एंड मनी और बेनिफिट। जैसे मनरेगा है तो गांव में अगर आप मनरेगा करते हैं तो जितना दिन तक काम करते हैं हर दिन के बेसिस पे दिहाड़ी पे आपको काम मिलते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो गवर्नमेंट किसी भी प्रॉब्लम्स को, कोई भी गवर्नमेंट, मात्र दो ही तरीके से सॉल्व कर सकती है। पहला या तो उस पर लॉ बनाकर या दूसरा उस पर स्कीम्स देकर। और स्कीम में अलग अलग तरीके हो सकते हैं। अवेयरनेस फैलाया जा सकता है। आज से पहले किसी को थोड़ी पता था डिजिटल इंडिया क्या होता है, गूगल पे फोन पे किसी को नहीं पता था। और याद करो 2014-16 जिस समय जब नया नियम आया था तो सब लोग इतना गाली दे रहे थे गवर्नमेंट को और मोदी गवर्नमेंट और सभी को गाली दे रहे थे कि भैया क्या अमेरिका समझ लिया है, सब्जी वाला भी गाली दे रहा था। और आज सब्जी वाला भी अपना स्कैनर नीचे छुपा के रखता है। अरे हाँ है ना, यस और नो? आज हर किसी के पास स्कैनर है। तो पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है गवर्नमेंट उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया, पॉलिसी से सॉल्व किया, यस और नो? तो गवर्नमेंट जब भी सॉल्व करेगी तो दो ही तरीके से, या तो उस पर लॉ बना देगी, ट्रिपल तलाक याद करो ना, तीन बार तलाक तलाक बोल दिया, हराम को तलाक हो गया। याद करो उन औरतों के साथ, उन माताओं, मतलब वो जो बहन है उनके साथ क्या होता था कि जो पिछले 20 साल से किसी के साथ रही और वो आज में मुंह उठा के तीन बार तलाक बोल दिया तो खत्म। ये शोषण था, शोषण। और ये शोषण किसके आड़ में, धर्म के आड़ में। तो ट्रिपल तलाक को क्या किया गया, खत्म किया गया। और जैसे ट्रिपल तलाक खत्म हुआ बहुत बड़ा रिस्पॉन्स मिला गवर्नमेंट को। तो पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है कि जब भी कभी अगर हम बात करते हैं क्रिमिनल लॉ, स्पेसिफिक लॉ या किसी भी लॉ की, तो सर आपको ये सारा कुछ एक बात पता होना चाहिए कि सॉल्यूशंस मात्र दो ही तरीके से दे सकता है गवर्नमेंट। क्या, या तो लॉ बनाएगा या क्या करेगा, उसका स्कीम देगा। इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। उसके अलावा मोदी जी आगे डांस नहीं करने वाले। नो वन विल कम एंड डांस, दे हैव ओनली टू ऑप्शंस, या तो लॉ बना देगा या फिर क्या दे देगा, पॉलिसी दे देगा। तो गैस सिलेंडर नहीं था तो उज्ज्वला योजना चला दिया। जो मातृत्व योजना है कि कोई आदमी जो प्रेग्नेंट है और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाता है तो उसको 5,000-6,000 रुपए मिलेंगे फर्स्ट चाइल्ड के लिए, वो एक अलग रूल बना दिया गया। क्या सुन पा रहे हो? तो पॉइंट सर, गवर्नमेंट कितने तरीके से सॉल्यूशन कर सकती है, ओनली टू। कौन कौन सा? लॉ बनाएगी या फिर क्या देगी, पॉलिसी, दैट्स इट। इसके अलावा कोई तीसरा चारा नहीं है। अब यहां पे क्या था, एजुकेशन प्रॉब्लम था क्योंकि एजुकेशन सबको मिल नहीं रहा था। तो मैंने क्या बोला, जो आपके 6 से 14 साल के बच्चे हैं उनका हक है, वो जाकर पढ़ेंगे, दे हैव द राइट्स, फ्री में पढ़ेंगे, उनको कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है गवर्नमेंट स्कूल्स में, और खुद जाकर अपने इनरोलमेंट करा भी सकते हैं 6 से 14 साल के बच्चे। ये गवर्नमेंट उनको फ्री दिया है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, फिर स्कीम चलाया और लॉ बनाया। तो जो भी सरकार है वो प्रॉब्लम दो ही तरीके से सॉल्व कर सकती है। कौन कौन सा? या तो लॉ बनाएगी या क्या करेगी,
स्कीम से ले आकर काम करेगी, इसके अलावा और कोई तीसरा कांड नहीं होगा। क्लियर यहां तक? अब उसके अलावा अगर इसमें आओगे तो सर ऐसे बहुत सारे जो भी प्रॉब्लम्स है, आरटीई के तहत मनरेगा क्या किया गया, स्कीम चलाया गया किस चीज का सॉल्व करने के लिए, बेरोजगारी का समस्या, अनएम्प्लॉयमेंट को, क्योंकि ज्यादातर लोग रोजगार नहीं मिल रहा था तब तक बोला गया कि मनरेगा चलाओ ताकि कुछ लोग जो है फावड़ा और वो काम करके काम करे। पहले के राजा यही करते थे, पहले के राजा जब देखते थे कि बेरोजगारी है और लोगों के पास काम नहीं है तो किला बनवाता था या पुल उल बनवा देता था रोड के साइड, इसलिए आपको इतना कुआं हुआ मिलेगा। राजस्थान में जाओ बिना मतलब का इतना सारा किला है और बहुत भयानक भयानक किला है, क्योंकि किला बनेगा मजदूर आएंगे तो उनको स्वरोजगार, उनको पैसा मिलेंगे ताकि उनका बेसिक खाना चलेगा। तो पहले के राजा इसलिए बनवाते थे किला। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? किला बनवाना उनका शौक रहा होगा लेकिन उनका मेन मकसद था रोजगार देना किले बनवाने के चक्कर में, कम से कम उन बेसिक लोगों को खाना और वो पूर्ति जो बेसिक नीड हो मिल जाएगा। क्या अलर्ट हो? तो सर ये जो चीज जब आप समझोगे ना तब दिमाग का नस खुलेगा, नहीं तो पॉलिटी पढ़ाने के लिए दो मिनट में पॉलिटी खत्म हो जाएगा। उसके बाद एक और समस्या है हेल्थ इंश्योरेंस, ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हेल्थ इंश्योरेंस पर कोई लॉ नहीं है लेकिन अब लॉ आने वाला है कि हर किसी को हेल्थ इंश्योरेंस लेना ही पड़ेगा। अमेरिका में नियम है, अमेरिका में क्यों इतना लोग पैसा खर्च करते हैं और इंडिया में तो लोग खर्च नहीं करता है। इंडिया में तो साइकिल पिछले 20 साल से अपने मोबाइल में टांगा हुआ है ऊपर, हर दिन पूछता है उसी को, आप समझ पा रहे हैं? मैं उनको कुछ बोल नहीं रहा है को क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे, लेकिन हमारा जो है बहुत खर्चा करने का उस तरीके का हमारा सोसाइटी नहीं है। हम लोग क्या है, कंजूस टाइप लोग, कंजर टाइप लोग, ध्यान समझना, मतलब अपन खर्चा नहीं करते ज्यादा, समझना उसके पीछे कारण है। और अमेरिका में क्या है, कंज्यूमरिज्म है, वहां ज्यादा वहां पर सेव नहीं होता है, पैसा सेव नहीं करते लोग, क्योंकि उनका पहले से गवर्नमेंट पॉलिसी में ऑलरेडी हेल्थ इंश्योरेंस है, उनका इलाज होगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है उनको, कोई भी चीज होगा उनका हॉस्पिटल्स का ऑलरेडी पैसा होगा, तो उनके लिए गवर्नमेंट, हमारे यहाँ तो सर स्कीम्स लेने के बावजूद कार्ड काम करेगा नहीं करेगा उसमें भी बहुत समस्या है, मेरे पास समझ में आ रही है। तो अपन इसलिए थोड़ा सा बचाव और सेविंग्स को ज्यादा महत्व देते हैं। अमेरिका यूके में नहीं, वहां के स्टूडेंट को जितना स्कॉलरशिप का पैसा मिलता है उससे पूरा दुनिया घूम के आ जाएंगे, लोग घूमते हैं स्टूडेंट्स में जो स्कॉलरशिप मिलता है पैसा, जो उनको पढ़ने के लिए पैसा दिया जाता है, दे कैन। मैं तो बहुत लोगों से मिला हूं, मैंने बहुत लोगों से मिला और ट्रेन में ही मिला हूं क्योंकि मैं बहुत सफर किया हूं, तो बहुत सारे जितने स्टूडेंट्स मिले, कोई रशियन मिला कोई अमेरिकन मिला, सब अपने उसी वीजा पे घूम रहे हैं उस पैसे से। और यहाँ पे आपको पता है ना कि अगर आपको जैसे पैसा मिलता है विद्यार्थी के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, तो पहले तो पूरा चप्पल घी जाएगा जाते जाते आते जाते, समझ में आ रहा है? उसके बाद मिल गया तो उसके बाद जो है चुकाने में फिर जो अलग कांड होगा सो अलग होगा। तो लॉजिक क्या है कहने का, ये देखो, इट इज अ चॉइस ऑफ गवर्नमेंट कि सर प्रॉब्लम को सॉल्व या तो लॉ से करेगा या फिर स्कीम से करेगा। तो ट्रिपल तलाक को लॉ से किया कि स्कीम से किया? लॉ से किया, लेकिन मनरेगा वाला स्कीम से किया, गैस सब्सिडी स्कीम से, बेरोजगारी को मनरेगा स्कीम से किया, यस और नो? हाँ ना? तो सर बहुत लोगों को लगता है गवर्नमेंट कुछ कर दे, तो गवर्नमेंट क्या ही कर सकती है, दो ही चीज कर सकती है, क्या क्या, या तो लॉ या फर्स्ट, इसके पास कुछ नहीं है, अवेयरनेस फैला के काम कर सकती है, कुछ नहीं कर सकती है गवर्नमेंट। सो बेसिकली दो तरीका है जो आपको दिमाग में रखना है। अब सर इसके अलावा और भी चीज है जो यहाँ से नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, आज इसको इतना ही नहीं देंगे, अगर थोड़ा सा टाइम दे दोगे तो इसको कर सकते हैं। वैसे मैं एक चीज बता देता हूँ फिर उतना ही करके खत्म करेंगे आज, ठीक है? एक दिन ज्यादा लोड नहीं देंगे। पहला है, ध्यान से समझिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल, सॉरी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ, लॉ के बीच में और कॉन्स्टिट्यूशन के बीच में क्या डिफरेंस है? तो मैंने बोला लॉ तो सबके लिए लॉ है ही, इजी टू चेंज, अरे जो कानून बदल जाए, अभी तो जाए मुर्गे मुर्गे रॉकी भाई के, तो लॉ जो आसानी से बदल जाएगा, मान लो लॉ था ट्रिपल तलाक का उसको बदल दिया गया, या मान लो लॉ कुछ और था बदल दिया गया, बट कॉन्स्टिट्यूशन इट इज डिफिकल्ट टू चेंज, दैट्स व्हाई ये सुप्रीम है, जिसको चेंज नहीं कर सकते उसमें ना, अरे जो हर मात्रा में अवेलेबल है उसका कीमत ज्यादा थोड़ी होगा, जो लिमिटेड मात्रा में अवेलेबल है कीमत उसी का होगा ना। एसएससी रेलवे है तो है तो है, आईएएस लिमिटेड है इसलिए तो उसका क्रेज है, क्या पॉइंट समझ पाओ, सीट्स आर लिमिटेड, और भेड़ बकरी की तरह जहां अवेलेबल है वहां सब अवेलेबल, क्या दिक्कत, लिमिटेड सीट्स का सब वैल्यू होता है, तभी तो इंडिया के अंदर भी स्पेशली बिहार के अंदर और सारे रिजल्ट का कहां कोई वेट करता है जी, कौन पूछता है एसएससी रेलवे का, आईएएस का तो भी जो आदमी है जो रिजल्ट देख रहा होता है जिसको अभी तक आईएएस का आई नहीं पता तो भी पूछ रहा होता है आईएएस के रिजल्ट आगे हुआ, आप समझ पा रहे हैं? बिहार के अंदर वो घास काट रहा है या कुछ और भी कर रहा है लेकिन वो देख के बोलेगा देखा पीडीएफ आईएएस क्या हिलवा। तो पॉइंट इज लिमिटेड थिंग्स आर ऑलवेज, इसीलिए साइकोलॉजी में नियम है कि जो लिमिटेड रहेगा उसकी प्राइसलेस चीज हो जाती है, समझ में आ रहा है? लिमिटेड एडिशन सर प्राइसलेस एडिशन। नीचे आओ इधर, दूसरा एक और बात, जो वहां पे प्रोविजंस होते हैं कौन चीज, जो नियम होते हैं
उनको बोलते हैं आर्टिकल, लेकिन लॉज में जो नियम होते हैं उनको सेक्शंस बोलते हैं। जैसे आईपीसी की सेक्शन 302, धारा 402, तो वो आपका कौन सा हो गया, लॉज हो गया। लेकिन आर्टिकल कब बोलेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन में बोलेंगे, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, अरे है ना। और तीसरी बात, कॉन्स्टिट्यूशन में चार चीजें होती है। पहला चीज पार्ट्स, आर्टिकल्स, क्लॉजेज, सब क्लॉजेज। देखो मैंने एग्जाम्पल कितना बेहतरीन तरीके से सब क्लियरली लिखा हुआ है। जो जैसे मैंने लिखा 1, 1, 2, 8, इसका मतलब है जो पहला रोमन वाला में पार्ट्स, उसके बाद जो लिखते हैं आर्टिकल्स लिखते हैं, ब्रैकेट में जो होगा वो क्लॉज होगा, और ब्रैकेट नहीं होगा लेकिन वो अल्फाबेट में हो तो सब क्लॉज होगा। तो ऐसे बोल सकते हैं पार्ट वन का आर्टिकल 1 क्लॉज 2 सब क्लॉज ए में ये लिखा हुआ है, इसलिए वकील सब बार बार जो बोलते हैं या दलील देते हैं कि भाग 1 पार्ट 1 क्लॉज ए सब क्लॉज ए में सेक्शन में लिखा हुआ है, इनको ये होना चाहिए। और उस समय आदमी को लग रहा होता है हाँ पढ़ लेगा खूब, उसके अलावा और कुछ समझ में नहीं आता है, बाकी उसको इतना समझ में आता है कि इज नॉलेज हुआ। यस और नो? तो सर कॉन्स्टिट्यूशन में ये चारों चीज होते हैं, लॉज में सब कुछ नहीं होता, देयर आर सेक्शंस ओनली, बात खत्म। क्या यहां तक क्लियर है? तो सर आज यहीं तक रखते हैं, जो पढ़ाया हूं पूरा एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर उसके बाद निकलते हैं। मेरी तरफ सुन लेना तो चीजें आसान हो जाएंगी। टोटल थीम कितना, 9 थीम, बेसिक कॉन्सेप्ट शुरुआत किए, पॉलिटी, पॉलिटिकल साइंस एंड गवर्नेंस के आपको डिफरेंस क्लियर है, यस और नो? यस। दूसरा उसके बाद आगे बढ़ेंगे, तो सर हमने शुरुआत किया कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, या उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशंस एंड देन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, जो आपको क्लियर करते हैं, यहां तक क्लियर है। उसके बाद हमने पढ़ा कि सर व्हाई कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम, और व्हाई रूल ऑफ मैन या रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ इज ग्रेटर देन जो भी है, तो रूल ऑफ लॉ का मतलब भी होता है लॉ इज ग्रेटर देन पीपल, क्लियर है यहां तक। उसके बाद चार पॉइंट, आवर पास्ट, इनवॉलंटरी फेडरलिज्म, डाइवर्सिटी, और जो आपका शिक्षित दर है वो, क्लियर यहां तक। उसके बाद फिर एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ने के बाद आपको क्या समझ में आएगा, अंतिम में मैंने पढ़ाया कि सर अगर हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन और लॉज के बीच का डिफरेंस, तो ये आपको पता है। दूसरा मैंने कुछ लॉज बताया अलग अलग, सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ, डेलीगेटेड लॉज, याद रहेगा। उसके बाद मैंने बताया गवर्नमेंट कोई भी प्रॉब्लम का समाधान सिर्फ दो ही तरीके से कर सकती है, या तो लॉ बनाएगी या स्कीम बनाएगी, ईमानदारी से बोलना। उसके बाद जो मैंने कॉन्स्टिट्यूशन बताया उसके प्रोविजंस को आर्टिकल बोलते हैं, लॉज आर जैट सेक्शंस, एंड देन उसको चेंज कर सकते हैं लॉज में, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं, एंड देन पार्ट, फिर उसके बाद आर्टिकल, फिर क्लॉज, और फिर सब क्लॉज। ईमानदारी से बोलना क्या मजा आया? तो सर नहीं भी आया तो हाँ बोलना है, बट सच बता रहा हूँ मजा आएगा आपको, और पॉलिटी अलग लेवल पे जाएगा। तो बहुत लोगों को लगता है कि अकेले टीचर कैसे पढ़ा देगा, आप पेशेंस रखना, आपको मतलब हर सब्जेक्ट में लगेगा कि ये इनका बेस्ट सब्जेक्ट है। ईमानदारी से बोल रहा हूँ, एक और बात, जो पढ़ा दूंगा वो प्लीज पढ़ लेना, दिल से एक बार मुझे थोड़ा फुला के जाओ, क्या मजा आया ऐसा। तो सर यहीं तक रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, क्लियर है? ठीक है, ठीक है।